चलिए, तो हम लोग केमिस्ट्री के बारे में, जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उनके बारे में हम लोग बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग विस्तार से पढ़िए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको रिवीजन करना है एक तरह से, तो आप इन्हीं क्लासों को देखकर चला जाए ना, ठीक है, पेपर देने के लिए। तो एक रिवीजन के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी गई, उसमें केमिस्ट्री कवर कर दी गई है। अब जीव विज्ञान के हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उठाते हैं और उन्हें भी देखते हैं, जो आपके परीक्षाओं में या तो पूछे जा चुके हैं या पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। एक तरह से आप कहिए जीव विज्ञान का ये निचोड़ है, ठीक है। तो याद रखिए, और याद रखिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है, फिर चाहे आपका यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, या फिर राजस्थान, या एसएससी, बैंक, व्यापम, दरोगा, पुलिस, जो भी भर्ती, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके। आप सभी लोग इतने तो समझदार हैं, मुझे लगता है आपका सभी एक तरह से कवर करवा दूंगा। पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, सब कुछ। पहले हम लोग साइंस को, इसमें केमिस्ट्री खत्म कर चुका हूँ, जीव विज्ञान खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग फिजिक्स खत्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग जीव विज्ञान की कुछ उप शाखाएं देख लेते हैं, क्योंकि आप देखते हैं इनसे भी क्वेश्चंस आपके हमेशा देखने को मिलते रहते हैं आपको। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, यानी कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है, जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन। आपके जूलॉजी के तहत, आप लोग जूलॉजी के तहत आप क्या करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान का। अब आपसे अगर पूछे, ये सही सुन लेते हैं, आपको बस याद रखना है, आपसे पूछे कि आर्नियोथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप कहेंगे पक्षी का। किसका? पक्षियों का। आपसे अगर पूछे कि जेनेटिक्स के अंतर्गत क्या आता है, तो वंशागति। आपसे अगर पूछे कि इकोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण का। आपसे पूछे कि पेलियो बायोलॉजी किसके अंतर्गत, इसका अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का, ठीक है। इन्हें भी आपके क्वेश्चंस बनते रहे, हमेशा बोला हूं मैं, तो इन्हें भी याद रखिए। आपने भी सुना होगा कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं कि एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी। विषय को जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े के अध्ययन से संबंधित है, जनांकिकी, जनांकिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं आप लोग? इसे कहते हैं इथनोलॉजी, ठीक है। जैविक जगत में होने वाली कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहते हैं? बायोनिक्स। पेलियो, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? पादप जीवाश्मों का, पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट का पालन को कहते हैं हम लोग रेशम, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, ठीक है। मधुमक्खी के, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपिकल्चर, एपिकल्चर का, एपिकल्चर के तहत किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी का उपयोग होता है एपिकल्चर, ठीक है। अगर कहीं धोखे से अगर गलत भी बोल देता हूं, तो आप लोग नीचे सुधार के लिख दिया करिएगा, एक परिवार की तरह आप लोग, हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। सही सम्मिलित करना है, ये आपकी खेती हो गई, ये खेती का नामकरण हो गया। फूलों की खेती को क्या कहते हैं आप लोग? फ्लोरिकल्चर। सब फलों की, फसलों की खेती को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। फलों की खेती को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पीसी कल्चर को क्या कहते हैं? मछली पालन। हॉर्टिकल्चर, फूल, ठीक है। सही सुन लेते हैं आपके, बस आपको याद रखना है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन इसके तहत होता है। फिलोलॉजी भाषा की संरचना व विकास तथा इतिहास का अध्ययन होता है इसके तहत। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं और चित्र का, चित्रकला का अध्ययन किया जाता है आपका। बीटी कल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर, अंगूर। बीटी कल्चर किससे संबंधित है? अंगूर से। कीट संवर्धन है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, कीट संवर्धन। बर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है, होता है क्या? अर्थ वर्म। बर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन होता है? अर्थ वर्म, ठीक है। जेरोंटोलॉजी संबंधित है किससे? वृद्धों के अध्ययन से संबंधित, आपकी जेरोंटोलॉजी संबंधित है। जेनेटिक्स अध्ययन है, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स अध्ययन के तहत। फेडोलॉजी संबंधित है, मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट,
क्या कहलाता है, डाक टिकट जमा करता है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथालॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में बीमेल है। साइकोलॉजी ये आपका इससे बीमेल है, यानी कि मेल नहीं खाता है। हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, मृदा विहीन पादप संवर्धन। लिथोटेप्सी है, गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना, आपका लिथोटेप्सी कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैव विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग आप देखेंगे 2 अरब वर्ष पूर्व। कितना? 2 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, देख लीजिए कहीं मैं भूल ना गया हूं। ठीक है, इसे याद रखिए, अगर गलत बोल दिया है तो आप नीचे देख सकते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव क्या है? नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव क्या है? नील हरित शैवाल। डार्विन द्वारा विस्तृत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। ओवर प्रोटेक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंशियल एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? डार्विन ने। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखा है कि हमेशा बनते रहे हैं, तो आप बड़े ध्यान से देखना है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने, ठीक है, ये सही सम्मिलित है, बस आपको अच्छे से याद रखना है। विकास का सिद्धांत डार्विन से संबंधित है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टेटम। ऑपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनोड। ठीक है, फिर अगला है विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक कारण। विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक कारण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ठीक है, फिर है आपका भारत की विशाल वन बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, यह चीता। चीता आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, यानी कि आधुनिक मनुष्य के पूर्वज कौन है? क्रो मैगे मैग नॉन मनुष्य। ठीक है, आर्कियो पैट्रिक्स है, जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है आपका। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है, सरीसृप बपक्षी के बीच की। मैमथ पूर्वज है हाथी के, डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप, डायनासोर रहे हैं मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है सालामेंडर अजगर और कंगारू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्गीकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है कि संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है किसकी? कीटों की। कीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, कथन एक, अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। कारण आर, सभी एक कोशिकीय जीव आलिंगिक विधियों से जनन करते हैं। दोनों कथन आपके सही है, ए कथन भी सही है और कारण आर भी सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है आपका। ठीक है, गर्म यानी कि गर्म रुधिर गर्म खून वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म खून, आप भी तो कहते हैं कि जवानी है, गर्म खून है, छात्र हैं आप, युवा छात्र हैं, गर्म खून है, सही कथन है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, सही है। स्टारफिश साफिश पाइपफिश और गिटारफिश में से वह है जो मछली नहीं है, तो स्टारफिश आपकी मछली की श्रेणी में नहीं आती है। ठीक है, याद रखिए, आपको चार ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन मछली की श्रेणी में नहीं आती है, तो आपको बताना होगा इनमें से स्टारफिश नहीं आती है। रजत मीन क्रेफिश
जेलीफिश तथा कैटफिश में से वह जो वास्तविक मेन मछली है, तो आप देखेंगे कैटफिश इसमें आता है। स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश और समुद्री घोड़ा में से वह है जो वास्तविक रूप से मछली है, तो आप देखेंगे समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा तो मछली का एक वास्तविक रूप है, याद रखिए। आप फिर सोचेंगे समुद्र में भी घोड़ा पाए जाते हैं। सबसे बड़ा स्तनपाई बेल मछली, भेल मछली, भेल प्राणी है, स्तनपाई बर्फ का। सार्क, स्क्विड, स्क्विड, ऑक्टोपस, बेल में से स्तनपाई पाए जाते हैं, बेल में, ठीक है। फिन, फिन बैक भेल, बिलू भेल, सार स्पर्म भेल तथा हम्प बैक भेल प्रजातियों में से दांत वाली भेलों में विशालतम है, स्पर्म भेल, ठीक है। एकिडेना कंगारू से ही, और भेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, तो ये देखेंगे एकिडेना सीधे अंडे, वह अंडे देता है, सीधे बच्चे को जन्म नहीं देता है, ठीक है। चमगादड़ के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि कहते हैं कि डायरेक्ट बच्चे को देती है वो जन्म, अंडे नहीं देती है, ठीक है। उड़ने वाला पक्षी भी है वो, एक तरह से उड़ने वाला स्तनपाई है चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, चमगादड़ को आप समझ रहे हैं पक्षी वर्ग में नहीं रखा जाता है, समझ रहे हैं। अगला है आपका समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह में से स्तनधारी है, समुद्री गाय और समुद्री सिंह, ठीक है। समुद्री घोड़ा आपका मछली का एक वर्ग है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सील है एक स्तनपाई। एम्फीबिया बताता है जब ये जल एवं थल स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी मानव वानर गुणों से पृथक करता है, जानने की इच्छा और प्रकट करना, समझ रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंसान यानी मानव सबसे समझदार प्राणी है, लेकिन अभी समय आप कहें तो सबसे बेवकूफ भी प्राणी है, क्योंकि अभी आप गाय को देख लीजिए, वो अपना धर्म निभाती है, आप उसे चारा खिलाएंगे दूध देगी आपको, लेकिन इंसान इतना लालची है कि आपने देखा है कि अगर पर्यावरण को सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुंचा है तो इंसान ने, उसकी लालच में, ठीक है। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंग उठान में से कपी नहीं है, तो लंगूर इसमें कपी नहीं है आपका, ठीक है। मानव सादृश्य लघुत्तम कपी है गिबन। गाय, बकरी, भेड़, हिरन में से नील गाय आती है हिरन कुल में, किसमें, हिरन कुल में, नील गाय आप लोग देखते रहते हैं। ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क है, ठीक है। ऑक्टोपस सबसे बड़ा अकशेरुकी है, इसके वेट, ठीक है। केकड़ा, वरुथी, बिच्छू, मकड़ी में से वह जीव जो अन्य जीव तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है, केकड़ा। बिच्छू के बारे में तो आप लोग सुनते रहते हैं ना, ठीक है। ब्राइट लेग हान एक किस्म है कुक्कुटों की, मुर्गियों की। टिक और माइट वास्तव में होते हैं। मकड़ी बंसी, जुगनी होता है, जुगनू होता है। कीट बचपन में आप लोग पकड़ते भी होंगे, लाइट देता था ये, समझ रहे हैं। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर में से वह जो कीट नहीं है, तो मकड़ी नहीं है आपकी कीट में शामिल। इस तरह ये बड़े क्वेश्चन सरल भी हैं और बड़े क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मछली मकड़ी में पाई जाती है। आठ टांगे, कितनी, आठ टांगे, समझ रहे हैं। तितली, तिलचट्टा, तिलचटा, मच्छर, मकड़ी में कीट नहीं है, तो आपको पहले भी बता चुका हूं मकड़ी में। वह ग्रुप जिसके जिसके जंतु बराबर आतिशय होते हैं, मच्छर, चमगादड़, उल्लू, आप समझ रहे हैं। उल्लू रात में देख पाती है आप कहते हैं ना, चमगादड़ भी, मच्छर भी, मच्छर आपको रात में ही तो लगते हैं। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल नर रक्त चूसते हैं, यानी कि जो मच्छरों में मेल होती है कैटेगरी वो रक्त चूसती है हमारा, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का रस चूसती है। मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं, इनमें से सही आपको चुनना है। तो केवल दो और तीन, दो और पांच सही, क्या है, केवल मादा यानी कि जो फीमेल होती है ही चूसती है खून। वैसे भी आप जानते हैं, माफ करिएगा कोई पर्सनल अपने ऊपर ना ले,
आप कहते हैं ना कि जब भी आपने देखा होगा घर में मॉम डैड कभी भी इस तरह की लड़ाई होती है तो कभी पत्नी पत्नी में आपसी में तो मेरा खून क्यों चूस रही हो, तो ऐसे सुनते रहिए, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। लेकिन किसी पर कमेंट करना नहीं, एक तरह से आपको उदाहरण याद रखने के लिए। 5, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। ठीक, तो और 5 सही है। मोलोग ऊंट जेबरा और यूरोमेटिक्स मैस्टिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है। ऊंट, आप कहते हैं ना कि ऊंट कुछ दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है। ये क्या कहता है कि अपने पानी रख लेता है अपने अंदर, उसके बाद वो उसका यूज करता रहता है। सर्पों की वृष ग्रंथियों की समांग है, कशेरुकी प्राणियों की लार प्राणियों लार ग्रंथियों के। ठीक है, फिर आपके सांप के जहरीले विष्दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है जंबिका दंत के, यानी कि जीभ के। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद। चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं आप लोग? शैलोद्भिद। पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी, नाइट क्वीन जिसे बोलते हैं आप लोग, फ्लेम ऑफ दी फॉरेस्ट में से कीटाहारी पादप है ये घटपर्णी है। घटपर्णी है आपका कीटाहारी पादप। घटपर्णी, घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपरण तथा पर्णवंत भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है यह है पत्ता। क्या है? पत्ता। ये सभी सम्मिलित है, आपको बस पढ़ना है अच्छे से। ईस्ट किण्वन, कैसिन दुग्ध प्रोटीन, एलो कैसिन दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा आवृत बीजी। एलोवेरा आप देखते भी रहते हैं, आप इसका यूज भी करते हैं। एलोवेरा आपका फेस वॉश भी आता है, आप लोग लगाते होंगे। घटपर्णी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पर आपका नीप पैंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। कहाँ? मेघालय राज्य में। पौधे का वह भाग जिसमें हल्दी प्राप्त होती है, तना। तना हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा है, पिकंद। पिकंद फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह है ड्रूप। ड्रूप ठीक है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? भिन्न काल्पक कोता। ठीक है, आलू शकरकंद बंडा और जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है शकरकंद। क्या है? शकरकंद। गन्ना, अदरक, आलू और शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है, शकरकंद नहीं है इसमें। ठीक है, शलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद में से वह जो तना है यह है अदरक। क्या है? अदरक। अदरक ठीक है। फिर आपका सुमिलन करना है, सुमिलित करना है हमें। पिकंद अदरक, स्तंभकंद आलू, लहसुन शलकंद, घनकंद जिमीकंद सूरन, ये सही सम्मिलित हैं एक तरह से, आपको बस याद रखना है। गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू में से रूपांतरित स्तंभ है आलू। क्या है? आलू। आलू एक है कंद, आलू क्या है? कंद। फिर आपका जैव उर्वरक प्रवाल मूल, लाइकेन और कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी विकारक सहचर है, कवक मूल। क्या है? कवक मूल है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्थजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, यह है सहजीवी। क्या है? सहजीवी। सहजीवी ठीक है, याद रखिए बड़े अच्छे से। क्या क्या याद रखें सोचते होंगे बच्चे। मटर पौधा है साग। मटर पौधा कैसा है? साग। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है, तना काट आमतौर पर गन्ना प्रबंधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लौंग है बंद कलियां। जीरा, लौंग, काली मिर्च और हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती है लौंग। क्या होती है? लौंग। लौंग प्राप्त होती है शुष्क पुष्प कली से, ये सम्मिलित है, आपको बस ध्यान से याद रखना है। अदरक, राइजोम, केसर, पुष्पकीय वर्तिका एवं वर्तिकाक, अफीम, अफीम की डूडी और सन तना। मैं कहता हूं कि याद रखने का एक सबसे सरल तरीका मुझे यही लगता है कि एक बार आप लोग नॉर्मल तरीके से पढ़िए तो दूसरी बार आपको लगता है कि यह आपको याद नहीं रहा रह रहा है तो आप फिर लगा सकते हैं अपना दिमाग और याद रख सकते हैं। कभी भी किसी भी बुक्स को आप उठा रहे हैं तो एक बार नॉर्मल आप तरीके से पढ़ लिया करिएगा ध्यान से, ठीक है? उसके बाद आप देखिए दोबारा आप जब पढ़ेंगे तो आधे से अधिक आपको याद हो जाएगा। लेकिन पढ़ने का मतलब, मेरा फोकस कहने का मतलब है पूरा बुक पर रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि फोन में फिर किसी का एसएमएस आ गया आप लग गए।
अभी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है छात्रों को, मुझे लग रहा है फोन। ये फोन उपयोगी कम है, मुझे लगता है अनुपयोगी आजकल कुछ ज्यादा ही हो गया है। और इससे आदत अगर आपने छुड़ा ली तो बहुत बड़ा काम कर लिया है। मैं अपने पिताजी का ही उदाहरण देता हूँ कि जब तक उनके पास फोन नहीं था वो मस्त थे, और आज देखिए सुबह मैं अगर 4 बजे 5 बजे उठूं तब वो फेसबुक चलाते रहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि मतलब इतना उन्हें, अभी फोन खो भी जाए तो तुरंत बोलेंगे नया फोन लेना है। समझ रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, बर्थडे मनाने की बात हो, इस तरह की मतलब कुछ ज्यादा ही आदत बन जाती है। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का, सुमिलित है अदरक पिकन प्याज मसलपर्ण आलू रूपांतरित तना नारियल गुड़ कोस, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तना बीज जड़ फल में से आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। ठीक है, आलू मूली भिंडी शकरकंद में से एक फल है भिंडी, पादप कली है एक भूनी है टहनी, कॉर्क प्राप्त होता है क्वेकर्स सुबर नामक पेड़ से, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर एवं सल्फर के कारण लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध होती है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। इसे भी याद रखिए, जब आप प्याज काटते हैं तो आपने देखा होगा कि आंसू आने लगते हैं, मैं किस कारण आने लगते हैं, सल्फेनिक सल्फेनिक अम्ल। इसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे अधिक अंग है, महत्वपूर्ण अंग क्या है, पुष्प। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्साइसिन। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है वह है कोशित, क्या है, कोशित। रेशम कीट जिस पर पनपता है वह है सहतूत की पत्तियां, यही आप देखते हैं रेशम कीट को। कोनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से, ठीक है, कोनेन। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कोनेन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से, सिनकोना पौधे की छाल से, ठीक है, इसे भी याद रखिए। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नामक नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से, किससे, बीजीय पादप से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिस किंतिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन। लाइकेन प्रोटोजोआ और साइनोजीवाणु तथा डायटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण होता है, यह आपका डायटम। कहने का मतलब ये है कि कोई, जब आप देखते हैं कि कोई डूब जाता है तो आप देखते हैं उनकी मृत्यु का पता लगाना है आपको, तो डायटम का यूज किया जाता है। सहतूत का फल है सोरोसिस, सोरोसिस। सन पटसन जूट कपास में से वह पौधा जो तने के उत्पाद, तने का उत्पाद नहीं है कपास, कपास। लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लैगियम मूल ग्रंथियों में, बोना बोना गेहूं संकर मक्का टी ट्री केल और सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धन है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, तो ये ट्री ट्रिकल है, ठीक है, जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है मानव इसे बनाता है। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्म को निर्दिष्ट करता है, इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में एरोसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है, ठीक है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, ठीक है, यानी कि छोटे बिल्कुल जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को। स्पंजी टिश्यू, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो, ये प्रसिद्ध आम की एक तरह से वैरायटी है। कथन ए, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, कारण आर इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है, इसमें आप देखेंगे ये सही है लेकिन परंतु आर गलत है। अब है अगला आपसे, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं,
ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा पर होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, आपका अब आपका कथन ए, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। बिल्कुल सही है। कारण आर, मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। परंतु आ रहे है, गलत है आपका। कथन ए बिल्कुल सही है। ठीक, क्या है आपका फिर अगला क्वेश्चन? मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। जड़ें पानी की तलाश में कैसी हो जाती हैं? लंबी। मरुस्थल में फ्री एक्टोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी यानी कि 20 से 30 फीट मूसला जड़ देखने को मिलेगी आपको। ठीक है। शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, इसे कहते हैं मरुद्भिद। क्या कहते हैं? मरुद्भिद। ठीक है। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मासल। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं आप लोग? हेलोफाइट। हेलोफाइट जो आप देखेंगे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। जैली रोधन का कारण अम्ल की अधिकता है। बिल्कुल सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। गलत है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइटस कहलाते हैं। बिल्कुल गलत है। सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। इसमें आप देखेंगे सत कथन है आपका 1 और 4। ठीक है। यहां आपने देखा है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हम लोग हेलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, याद रखिए 1 और 4 या 4-1 सही है इसमें। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। ठीक है, यांत्रिक अवलंब के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों से। ठीक है, हाइड्रोफाइटा कहते हैं एक जलीय पौधे को, हाइड्रोफाइटा कहते हैं। पौधों द्वारा ली गई विकिरण विकिरण ऊर्जा का परिणाम है जल का विकास की ये अपघटन होता है। ये सही सुन लेते हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। स्वजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विबंधक। ठीक है। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। हरित पादप आपकी प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। आर्के बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, मीथेन के लिए। किसके लिए? मीथेन गैस के लिए। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। ठीक है। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। ये मछली पर भाई आप लोग देखते हैं, मछली जल की रानी है। आप लोग सुनते हैं ना, बचपन में बड़े याद करते थे। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, ये होता है गल फड़ों से। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। इसे भी याद रखिए, वैसे भी आप कभी देखेंगे वो आपसे पूछ लेगा जो टमाटर आप लोग यूज करते हैं। कभी भी इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले तो आप बड़े अच्छे से आसानी से दे सकते हैं लाइकोपीन। ठीक है। अब आपसे पूछे कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? आप जानते हैं कि आपके बड़ा अच्छा पपीता आपके वो सभी एक तरह से खनिज, फिर चाहे आपके विटामिन हो, उपलब्ध कराता है आपको। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिया, सॉरी कैरी कैरिका जेंथिन। कैरिका जेंथिन। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधों की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुदा नारंगी रंग का होता है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वह है अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप। ठीक है। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीसीज से संबंधित है, आप देखेंगे चीनी, अमेरिका, भारतीय और काले अफ्रीकी लोग। खमीर एक उदाहरण है कवक का। खमीर एक उदाहरण है अवक का, कवक का। ईस्ट और मशरूम है फफूंद। याद रखिए मशरूम आप लोग जानते होंगे, मैं समझता था कि कुकुरमुत्ता आप लोगों ने सुना होगा। एक बार मेरे हॉस्टल में क्या हुआ कि मशरूम बनाया गया, तो मुझे मालूम नहीं था उस समय कि मशरूम, मैं सोचता था कि कुकुरमुत्ते को मशरूम कहते हैं। इसकी खेती मुझे लगता है खेती नहीं होती है। मैं जब शुरू में मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में, मैंने उस दिन खाना नहीं खाया।
ये देख लिया। फिर बाद में मुझे मालूम चला कि इसकी खेती की जाती है, बड़े स्तर पर फायदेमंद भी, सर आपके शरीर के लिए भी फायदेमंद है और काफी इसकी खेती में भी काफी प्रॉफिट है। तो याद रखिए मशरूम है। कुकुर मुत्ते को भी तो देखते हैं आप लोग कि गांव में कहीं जाइए आप लोग, जनजाति इन्हें खाते भी हैं। तो रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है तो कवक, क्या होता है कवक? कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज, लाइकेन विशिष्ट जीव हैं जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में सहजीवी सहचर हैं शैवाल और कवक के, शैवाल और कवक के। नौस का पीन प्राप्त होता है एपोस्टा पॉपी से, हीरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से, मॉर्फिन प्राप्त होती है फल से, अफीम प्राप्त की जाती है बिना पके फल के लेटेक्स से, अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से, अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। ये इनसे भी आपके क्वेश्चन समानता देखे गए हैं बनते। अब चलते हैं अनुवांशिकता के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखते हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते रहे हैं। वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक है, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखिए अभी आपका जो सीईटी की तरह आपके तहत एग्जाम होंगे कॉमन, उसमें सामान्य ज्ञान यानी कि आप जीएस को सोचिए तो इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हो सकता है कि मैथ में आपके कुछ चैप्टर जुड़ जाए जो आपके रेलवे में नहीं पूछे जाते हो या अन्य एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाते हो। जीएस एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है कि आज अगर पढ़ेंगे तो कोई भी पेपर होता है तो आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो इसे भी याद रखिए, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पिता क्रेगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं जी जे मेंडल, जी जे मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह है मटर, गार्डन पी, मटर मटर। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण का संबंध है जीन्स के चित्रण से, जीन्स के चित्रण से। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा, किसके द्वारा? क्रोमोसोम द्वारा, ठीक है? सर आपका हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं क्या? कहते हैं जीन। पानी पीते रहा करिएगा, जब भी सुबह आप लोग उठते हैं तो तब भी कम से कम आधा से 1 लीटर पानी डेली पिया करिएगा, बहुत फायदेमंद होता है। तो हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं आप लोग? जीन। पिलौमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बारबरा मैक्लिटॉक ने, ठीक है? डीएनए में उपलब्ध है यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, यह है टायरोसिन। क्या है? टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोज। कार्बन-14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले एक्सरे तकनीक, कोयला खनन, रंग रेज और रंग साज उपयुक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के लिए डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। तो इसमें आप देखेंगे एक्सरे तकनीक में लगे लोगों को, ठीक है? यानी कि केवल दो है। अब बात करते हैं जैव उर्वरक, एजोला एजोला, नील हरे शैवाल, अल्फाल्फा। उपयुक्त में से जिनका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है तो एजोला का देखा गया और नील हरित शैवाल का, यानी कि एक और दो का आप लोग। ईस्ट किलोरेला एजोला मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है, यह है एजोला, ठीक है? यूरिया 2,4-D स्टेप 2 साइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक है, यह है एजोला। क्या है? एजोला। पशुओं विशेषता दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है, यह है एजोला। क्या है? एजोला। सम्मिलित करना है आपको नील हरे शैवाल जैव उर्वरक, क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, बायो 902 सरसों का काई क्लोन, एक क्लोनिंग द्वारा, समझ रहे? एजोटो वेक्टर ये जीवाणु से संबंधित है, ठीक है? वह फसल जिसमें नील हरे शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में
प्रयोग होते हैं। यह है आपकी धान, क्या है धान, जैसे आप लोग चावल भी निकालते हैं। नील हरे शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को, किसको, धान को। एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नील हरे शैवाल को साथ मिलाने से, नील हरे शैवाल को साथ मिलाने से, ठीक है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी सहचारी है नील हरे शैवाल, नील हरे शैवाल। एजोला है एक क्या है, जलीय फरण, जलीय फरण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ तथा बीजाणु में से वह जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, क्या, साइनोबैक्टीरिया, फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोध रोधक के प्रयोग द्वारा और नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के प्रयोग द्वारा, ठीक है। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, ये आपका राइजोबियम जैपोनिकम। 2,4-D है, एक खरपतवार नाशी, 2,4-D है, क्या है ये आपका, एक खरपतवार नाशी, ठीक है। अब अगर कोशिका से संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात करें हम लोग, तो नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिका में डीएनए होता है वह है ये माइटोकाइंड्रिया होता है, इसमें आपको डीएनए देखने को मिलेगा। सही कथन है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से बने अणु होते हैं, सही है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, 46, कितने, 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या होती है 23। आप लोग जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितनी चप्पल यूज करते हैं, जूते, तो दो, लेकिन आपसे कहा जाए कि जोड़े में तो एक जोड़ी, ठीक है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, क्या है, उत्परिवर्तन। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में, किसमें, छिपकली में। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्यों, कोशिका भित्ति के कारण, किसके कारण, कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ठीक है। जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है, आप जानते हैं माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहते हैं आप लोग। पित्तपिंड कोशिकाओं की सहंती होती है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी, प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है आपकी प्लाज्मा झिल्ली। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी, अंतःद्रव्यीय जालिका और राइबोसोम की, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं, लसिका कोशिकाएं बनती हैं तिल्ली में, किसमें, तिल्ली में। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बिल्कुल इसी तरह के आप सिविल सर्विस में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, बड़े भ्रमित करने वाले। बीजपुटी अवस्था का अवस्था पर भूड मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, स्तंभ कोशिकाओं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त किए जा सकती है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों में ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के उत्कों में विकसित किया जा सकता है। इसमें आपके चारों कथन सही है क्योंकि सत्य कथन पूछ रहा है, 1, 2, 3, 4, ये चारों आपके बिल्कुल सही है आपके, ठीक है। आगे चलते हैं, प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन है, प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भी करती हैं तथा ये एक या फिर अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता भी रखता है। परिक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। एपोप्टोसिस हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्परिवर्तन करने वाला पद है, कैप्स चक्र, क्या है, कैप्स चक्र, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मानव शारीरिकी से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं, याद रखिए इससे आपके साइंस में बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विस में इसी से पूछे जाते हैं। वैसे तो सभी एग्जामों में आपके मानव शारीरिकी से संबंधित क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं लेकिन सिविल सर्विस में कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया जाता है इसमें, ठीक है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है तो जल का, आप देखते हैं कि आप देखिए एक दिन आप लोग
हो सकता है कि आप खाने के बिना कुछ टाइम तक जिंदा बने रहें, लेकिन जल के बिना मुझे लगता है कि संभव नहीं है। इसीलिए तो कहता हूं आप कि जितना अधिक जल हो सके सो पिया करिएगा, कई बीमारियों से दूर रखता है आपको। समझ रहे हैं? एक वयस्क मानव शरीर में जल 50% होता है, लगभग आप देखेंगे 65%। कितना? 65%। फिर भी लोग जल की कीमत नहीं समझ रहे हैं। लोहे, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। लोहा, सोडियम, फास्फोरस में, फास्फोरस एवं कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियां। कितनी? 206 अस्थियां। मानव कंगाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है 206। ठीक है, 206, इसे भी याद रखिए। ये कुछ ऐसे सामान्य क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जाते हैं और आप लोग भ्रमित भी रहते हैं इनमें। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग आप देखेंगे 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, ये आपको कान में देखने को मिलेगी। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में, यानी कि सबसे छोटी की बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी के बारे में आप लोग जानते हैं, फीमर, पैर में। मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं 28 अस्थियां। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी होती हैं अस्थियां? 28। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आप देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट। क्या? कैल्शियम फॉस्फेट। आप जानते हैं कैल्शियम फॉस्फेट हमारी हड्डियों को मजबूत भी प्रदान करता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की जोड़े होते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े आपको 12 देखने को मिलेंगे। कितने? 12। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना। कशेरुकी रज्जू में निकलती हैं 31 जोड़ियां तंत्रिका, 31 जोड़ियां तंत्रिका। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है 1.5 लीटर पेशाब। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना पेशाब निकालता है? 1.5 लीटर। पित्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़ने में पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु। लीगोमेंट। ठीक है। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। ठीक है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। इसी तरह हम लोग बालों को भी देखते हैं। आप देखते हैं नाखून को जब आप काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, बाल को भी आप लोग काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। समझ रहे हैं? ये मरी हुई कोशिकाओं से बने होते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस की। कैल्शियम और फॉस्फोरस की। कैल्शियम फॉस्फोरस क्लोरीन और आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण की एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें देखेंगे आयोडीन आवश्यक नहीं है। कौन कौन सा आवश्यक है? क्लोरीन, फॉस्फोरस और कैल्शियम इसमें आवश्यक है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में आप देखेंगे कि 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। आप कहते हैं ना कि दूध के दांत गिर गए, आप बचपन में बड़े इससे डरते थे। अस्थि, दंतवल्क, डेक्टिन और सीमेंट में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दंतवल्क। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़े में देखने को मिलेंगी। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ देखने को मिलेंगी? जबड़े में। सुमिलित करना है हमें। क्या है? सुमिलित है, आपको बस याद रखना है। उरोस्थि, स्टर्नम, स्टर्नम जंतु, क्लेविकल, जानु फलक, पेटीला, स्कंद फलक, स्केपुला। ठीक है, याद रखिए। मस्तिष्क यानी कि हमारा सिर जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए हमारा मस्तिष्क जिम्मेदार है। कई लोग कहते हैं कि सर मैं अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूं और मेरा मन बड़ा घूमता रहता है, मुझे कुछ टाइम में बोर भी कर देता है, दिमाग जलने लग, मतलब एक तरह से दिमाग खराब हो जाता है और शरीर दिमाग दर्द भी करने लगता है सिर। तो ये एक सीधा सा याद रखिए, हमारा मन कंट्रोल तभी हो सकता है जब हम मर जाएं और हमारी सांसें खत्म हो जाए। अगर आपको मन को कंट्रोल करना है तो एक सीधा सा तरीका है कि आप जिसका जिस मन पर आपका बार बार मन, जिस काम पर बार बार मन जा रहा हो उसकी जगह आप लोग दूसरे काम पर उस मन को बदलिए। ठीक है, दूसरी जगह ले जाकर आप लोग लगाइए और फ्री मत बैठा करिएगा। जब आप फ्री बैठते हैं और सोचने लगते हैं तो आपका दिमाग
ऑटोमेटिक मतलब मन आपका वहां पहुंच जाता है जहां जो चीज आपको सबसे ज्यादा झकझोरती है। कोई प्यार में एक तरह से आप सोचिए लव फेलियर है, तो वो सबसे ज्यादा उसी पर उसका दिमाग जाने लगता है। तो अगर आपको बेहतर तरीका यही है निकलने का इस तरह की समस्याओं से, कि आप अपने दिमाग को ऐसी जगह लगाइए कि जहां आपका बिल्कुल दिमाग जाए ही ना, मतलब उस बात को भूल जाए, ठीक है, कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि कितना आसान था और आप सालों बर्बाद कर देते हैं इस कामों में। तो इस तरह की समस्याओं को देखते रहिए। पितिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकी रज्जु में, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम में, ठीक है, याद रखने की क्षमता। निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, ये अंडवाहिनी में। मानव शरीर का वह भाग जहाँ शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, यह है डिंबवाहिनी नली, ठीक है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपने निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिन के लिए, 1 से 2 दिन के लिए। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, ठीक है। वह कला जो परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करता है, उल्व एमनियोन, ठीक है। स्तनधारियों में श्वसन होता है फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों द्वारा। श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन धड़कता है कितना, 72 बार, 72। हृदय आराम करता है दो धड़कनों के बीच। सीने में दर्द, पसीना, जी मचल मचलाना और बाहें में दर्द और झंझाहट तथा टांगों में दर्द में से वह लक्षण जो हृदयाघात से यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। टांगों में दर्द ये आपका हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है, हार्ट अटैक से संबंधित है सीने में दर्द होना, पसीना आना, जी मचलाना, आप देखेंगे बाहें में दर्द होना, झंझनाहट होना, ये सभी आप एक तरह से हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक की आप कह सकते हैं पहचान होती है। हृदयाघात का सटीक लक्षण है, हार्ट अटैक का सटीक लक्षण है जी मचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होना। हृदय में होते हैं 4 कक्ष होते हैं आपके हृदय में। हृदय स्पंदन एक विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है हृदय में, किसमें, हार्ट में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। आप जानते हैं कि आपने देखा होगा गांव में जब भी कोई वैद्य देखता है आप कहाँ, तो वो जो हाथ की नाड़ी होती है उसके द्वारा बताता है कि आपका हृदय ठीक कर रहा है, वो गिन के उसी को, समझ रहे हैं आप। तो मानव शरीर का तापक्रम है ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में घटता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, ये आप देखेंगे एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर के करीब आपको खून देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम रुधिर परिवहन तंत्र से संबंधित कुछ आपके महत्वपूर्ण तथ्य, इनसे भी आपके क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलता है। रक्त होता है सबसे पहले तो यही पूछ लेगा, एक सहयोजी ऊतक है, हीमोग्लोबिन है, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है आपका हीमोग्लोबिन। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर आपको विचार करना है, इसमें लोहे होता है, लोहा होता है, यह बिल्कुल सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, 1, 2, 4। आप जानते हैं कि जो रक्त का लाल रंग होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है, तो याद रखिए 1, 2, 4, इसमें कथन आपका सही है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लोहे युक्त यौगिक है, ये बिल्कुल सही, दोनों 1 और 2 सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, आप लोगों ने ऊपर भी इसी तरह का क्वेश्चन देखा था लगभग, तो इसमें आप देखेंगे 1, 2, 4 इसमें सही है, ठीक है। जो आपकी WBC होती है वो आपकी रोग की प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती है, रोगाणु को मार। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। वह प्राणी जिसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, कैंचुआ, कैंचुआ। रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाएं या जिन्हें जिसे आप लोग RBC के नाम से जानते हैं, इनमें रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल। रक्त का शरीर में कार्य क्या है? सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना रक्त का कार्य है आपका। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120 से 180, ठीक है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 120
एमएम मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर, तो इसके 80 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक तरह से नॉर्मल है और अधिकतर लोगों का इसी में देखा जाएगा, ठीक। रक्तदाब का मापक यंत्र है, ये आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है, तो ये देखेंगे स्फेग्मो मैनोमीटर आपका, इसके द्वारा आप लोग रक्तदाब को मापते हैं, ठीक है। इस नाम को याद रखना, बड़ा कौन सी क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, स्फेग्मो मैनोमीटर। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, जो इससे उल्लेख में Hg से तात्पर्य है मरकरी से, किसे मरकरी से। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब बढ़ जाता है, कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। नीचे चार व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया है, श्रीमती एक्स 90-60, श्री एक्स 160-120, श्री बाई 120-80, श्रीमती बाई 140-100। उपयुक्त में से रक्तदाब का सामान्य है, तो आप लोगों को पहले भी बात कर चुका हूं कि श्री बाई यानी कि 120 से 80 के बीच, ठीक है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमारे शरीर का रक्तदाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह रक्त जो सार्वत्रिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ यानी कि सभी को दे सकता है, ठीक है। किसी को भी अगर ए बी या ओ को खून की जरूरत है तो ओ सबको दे सकता है। अभिकथन ए, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण आर, एक रक्त समूह ए बी की लाल लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन एग्लूटिनेशन नहीं होता है। तो इसमें आप देखेंगे ए सही है ऑप्शन, दूसरा लेकिन आर गलत है इसमें। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं और सार्वत्रिक दाता कौन होता है, ओ, ठीक है। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो कोई भी, आप समझ रहे हैं, कोई भी रक्त समूह ए हो बी हो या ओ हो, किसी का भी ए बी वाला व्यक्ति ले सकता है अगर उसे खून की जरूरत है, और ओ वाला किसी को भी दे सकता है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक सार्विक रक्त दाता कहा जाता है, उसके रक्त में पितिपिंड एंटीबॉडी का अभाव देखा जाता है तब। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देता है, उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए, पत्नी ओ, भाई ए बी, पुत्र ए और पुत्री ओ। उपयुक्त में से कौन संबंधी वह संबंधी जो उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकता है, तो आप देखेंगे ओ भी दे सकता है, वो तो वैसे आप सभी को दे सकता है, इसमें आप देखेंगे कि पुत्र ए भी दे सकता है और पुत्र पुत्री ओ भी दे सकती है, यानी कि 1 3 4 दे सकते हैं उसे, ठीक है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, यानी कि रक्त की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, वह रक्त समूह जो उसे दिया जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि ओ दिया जा सकता है क्योंकि ओ सर्वदाता होता है, सबको दे सकता है, ठीक है। अज्ञात रोधी वर्ग, एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्त की जरूरत पड़ती है, अस्पताल आसानी से उपलब्ध वह रक्त वर्ग जिसका रक्त आधान के लिए उपयुक्त सुरक्षित होता है, वो Rh माइनस फैक्टर, ठीक है। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे खून दिया जाना चाहिए, वो Rh माइनस, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल कार्ल लैंड स्टीनर ने। Rh कारक यानी कि Rh फैक्टर संबंधित है एक प्रकार के बंदर से, सबसे पहले इसकी खोज बंदरों में की गई थी, इसलिए बंदर से। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष बाद उपरांत जुड़वा पुत्र हुए, दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव और दूसरे का ओ निगेटिव है, तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव, तीसरे का ओ पॉजिटिव है, गोद लिए गए पुत्र का रक्त क्या है, वर्ग क्या है, ओ पॉजिटिव, क्या है, ओ पॉजिटिव, ठीक है।
इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, बड़े सरल भी हैं आप लोग, लेकिन पता नहीं ध्यान नहीं देते हैं। यह एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है, तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग हो सकता है केवल ओ, ठीक है। इस तरह के माता पिता का बच्चा ओ रक्त वर्ग का होगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 के बीच। वैसे एक तरह से कह देते हैं 7.4। अगर आपसे पूछे कि रक्त का पीएच मान क्या होता है तो 7.4। अगर आपसे पूछे कि स्तर हो सकता है तो 7.35 से 7.45 के बीच। पितिजन वह पदार्थ है जो पितिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है आपका, एंटीजन। पितिजन ऐसा पदार्थ है जो पितिरक्षा तंत्र को प्रवर्धित भी करता है। एंटीजन्स की मूल विशेषता है वे पितिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। WBC आपको बताया था ना, सफेद जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये हमारे शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करती हैं, और जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये आप कोई भी आप सोचिए खनिज पदार्थ है या ऑक्सीजन है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। सफेद सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होते हैं लेम्फोसाइट द्वारा, किसके द्वारा? लेम्फोसाइट के द्वारा। प्रतिरक्षा असंक्रामकता का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन, रक्त में प्रोटीन। मानव के श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का व्यास होता है लगभग आप देखेंगे 0.00 मिलीमीटर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेसिया, एक तरह का कैंसर। लाल रक्त की कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा में। WBC का बनना और RBC का विनाश होना होता है पीलिया में, स्पिलीन में, इसे कब्रगार भी कहते हैं, ठीक। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में। हृदय को रक्त का संवहन करने वाली धमनियां कहलाती, हृदय धमनियां, हृदय धमनियां। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइबिन के परिवर्तन में भाग लेने वाली एंजाइम है थ्रोम्बिन, कौन सी? थ्रोम्बिन। वह शारीरिक विक्रम जिसमें थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%, कितना? 90%। अभी आपने देखा होगा कि प्लाज्मा थेरेपी की बात की जा रही थी जब कोरोना महामारी आई हुई थी, तो ये आप जानते हैं कि एक तरह से क्या होता है कि जैसे आप सोचिए कि मुझे कोरोना हो चुका है, ठीक है मान दीजिए, वैसे ना हो तो अच्छा है, ठीक, समझ रहे हैं आप लोग? हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा कि मैंने प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर ली है। अब अगर हम मैं प्लाज्मा डोनेट करता हूँ किसी को, तो जो प्लाज्मा मेरे डोनेट किया वो दूसरे पर को दिया जाएगा तो वो भी प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर लेगा, ठीक है। इस तरह से इसका उपयोग होता है। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है रक्त में WBC की तुलना में बीमारू अधिक देखने को आपको मिलते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त के द्वारा, फुसफुस के द्वारा, ऊतकों के द्वारा। अभिगमन की का सही अनुक्रम है फुसफुस के द्वारा, फिर आपके रक्त के द्वारा, ऊतक के द्वारा। 2-1-3, 2-1-3, 2-1-3, ठीक है। आप देखेंगे जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। कैसी होती है? बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः प्रभावित करती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, ठीक है। आप जानते हैं आपसे इसीलिए मना भी किया जाता है कि आप बंद कमरे में कभी भी आग मत जलाया करिएगा, क्योंकि उसके धुआं से आप देखते हैं कि आपकी घुटन होकर मौत भी हो सकती है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन ए, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण आर, रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयरनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, रक्त स्कंदित हो जाते हैं। ए भी दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है आपका। एक किंतिम ऐसा किंतिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है, उसे बनाया है किसने? पेटेन के वैज्ञानिकों ने। तो काफी वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, आप समझ रहे हैं, बेटेन के वैज्ञानिकों ने। चलिए हम लोग बात करते हैं पाचन और उत्सर्जन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। हमारे मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। लार सहयोग करती हैं
स्टार्च के पाचन में, जो लार आपकी है आप देखते हैं मुंह से ही स्टार्च का पाचन प्रारंभ हो जाता है, स्टार्च का, ठीक है। मानव बेक के कारण से निम्न से संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, यानी कि किडनी, बेक में उत्सर्ग, अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त विकीय धमनी से वापस जाता है, बिल्कुल सही कथन है आपका। ब्रोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनः पुनरावशोषण होता है और विकीय सिरा में रक्त के पास भेजा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल है। इसमें दोनों कथन आपके कैसे हैं, सत्य हैं, ठीक है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या को कहते हैं हम लोग, मनुष्य शरीर में जो खून शुद्ध होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस सत्य कथन है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है आपका, जो शरीर में सारा जो आपका रक्त है किसके द्वारा माध्यम से शुद्ध होता है, इसमें आप देखते हैं कि जो और भी गंदगी आ जाती है उसे साफ करने का काम एक तरह से आप कहिए कि किडनी का है। आप देखते हैं पंप में भी एक तरह से आप देखते हैं कि हर जगह आप कोई भी गाड़ी वाहन कोई भी हो उसमें भी एक फिल्टर लगा रहता है, तो आप देखते हैं डीजल पेट्रोल को छानने का, वही आप एक तरह से हमारा भी कह सकते हैं किडनी को फिल्टर। डायलिसिस संबंधित है किससे, ब्रेड से, किडनी से। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा, गुर्दा द्वारा। ब्रेड से औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी प्रति मिनट, ठीक है। अपोहक किसके, जिसके कार्य संपादन हेतु उपयुक्त होता है वह है ब्रेड, यानी कि किडनी। जब ब्रेड कार्य करना बंद कर देता है तो जमा होता है क्या, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ यानी कि गंदगी। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना और कई हार्मोनों का श्रवण करना मानव गुर्दे का एक काम है, ठीक है। इन कामों को भी याद रखना, आपको पूछ लेगा कि मानव गुर्दे का काम है, नीचे आपको ऑप्शन दे देगा, आपको चुनने के लिए आ जाएंगे, तो इसे भी आप याद रखिए। मुझे लगता है कि इसमें आपके सिविल सर्विस के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं और वनडे एग्जाम को देखते हुए भी। मानविक अस्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट, इसे आप लोग एक तरह से कैल्शियम पथरी भी कहते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी फ्राह बनी होती किसकी, कैल्शियम ऑक्सलेट की, ऑक्सलेट की, ठीक है। इसे इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। अब देखिए ये आपके वन डे एग्जाम के लिए हो गया, ये आपका सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस के लिए हो गया, प्रीलिम्स के लिए। कथन ए, मानव शरीर में ब्रेड के वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप जानते हैं बिल्कुल सही है। कारण आर, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत है, लेकिन क्या है, ए ऑप्शन आपका सलत है, सही है सॉरी, और आर कैसा है, गलत है। एंजाइम एक है, एंजाइम एक है वायु उत्प्रेरक, एंजाइम वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः है किसके बनने होते हैं, प्रोटीन से, प्रोटीन से। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है वह है जाइमेज। जाइमेज जो एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने का को प्रेरित करता है यह है जाइमेज। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम, कौन सा, एंजाइम। लाइपेज यूरिया सिलिस्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से वह है जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो आप जानते हैं यूरिया, क्या यूरिया, यूरिया। लिविड्स का पाचन होता है पित्तम्ल लाइपेसिज की उपस्थिति में, ठीक है। मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है गैस्ट्रिन, क्या है, गैस्ट्रिन नहीं है। अब यहां देख लीजिए कथन ए, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, बिल्कुल सही बात है आपकी, मत माफ करिए गलत है आपका, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, ये गलत है आपका। कारण आर की बात करें तो अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइमों को क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे कि ए इसमें गलत है कथन और कारण आर सही है, ठीक है। फिर आपका प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है टैप्सिन, क्या है, टैप्सिन। आप लोग देखते हैं ना कि आप लोग प्रोटीन शेक भी खाते हैं, तो इसी की बात की जा रही है, तो यह ट्रैप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज, एमाइलेज वह परिवर्तन जिसमें जिसमें एंजाइम टैप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है बेहदांत से,
है। मानव शरीर में छिद्रांत के तीन संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रास क्रम है, शेषांत, मध्यांत, ग्रहणी। ठीक है, ये वह आहार जो मानव शरीर में नई ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह पनीर, तो खाते रहा करिएगा पनीर भी समय समय पर। ठीक है, वैसे महंगी कर दी गई अब पनीर। प्रायोबायोटिक प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो ये हो गया आपका सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस का एग्जाम। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। बिल्कुल सही है। प्रोबायोटिक खाद्य अंत फ्लोरा के अनुसरण में अनुरक्षण में सहायता देता है। ये दोनों कथन आपके कैसे हैं? बिल्कुल सही है, सत्य कथन पूछ रहा है आपसे, सही है। ठीक है, न्यूट्रा सूटिकल्स उत्पाद जिसमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव दोनों, एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा है, ई कोलाई प्रतिबंधित, डीएनए को विशिष्ट, एंडोन्यूक्लियस सेकेंड स्थलों पर काटने के लिए। ई कोलाई प्रतिबंधित, इंडो न्यूक्लियस सेकेंड, यह डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं और उनके आंसर जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन छोड़ना। आप जानते हैं कि आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन आप लोगों के लिए देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन हम लोग कभी समझ नहीं पाते हैं इसको। एक तरह से आप खुद सोचिए, एक अंदाजा लगाइए, पेड़ खत्म हो जाए तो आप ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ेंगे बदल के, तो आप सोचिए उसका सामने वाला भी तो बदलना चाहिए। पेड़ नहीं बदलेंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। एक तरह से सीधा सा आप कह सकते हैं कि आपके फेफड़े का एक हिस्सा पेड़ है और एक आपके अंदर है, ठीक है, कि आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, बदल कर। वो सामने आपका एक फेफड़ा है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले रहा है और आपको ऑक्सीजन में बदल के फिल्टर करके एक तरह से दे दे रहा है। मैं पेड़ बचाना चाहिए इसीलिए बोलता हूँ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है CO2। क्या है? CO2। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से। किससे? जल से। पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीला और लाल प्रकाश का, पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीला और लाल प्रकाश का। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। किससे? शैवालों से। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। लाल प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, क्या? लाल प्रकाश। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है लाल प्रकाश का। किसका? लाल प्रकाश का। कृत्रिम प्रकाश है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वह व्यतिक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है प्राप्यतम ऊर्जा और स्थितित ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना करता है किलोरेला। किलोरेला ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण और पौधों को सहारा प्रदान करना करना में से पौधों की जड़ों का कारण नहीं है, यह प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो
तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। आप भी देखते हैं कि अगर पेड़ है जैसे आपके यहाँ, उसकी चारों तरफ से खाल हटा दी जाती है एक तरह से, वो ऊपर जो चढ़ी रहती है, तो वो वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। इसलिए पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन करने के लिए। श्वसन विकास संश्लेषण जैविक पदार्थों का क्षय ज्वालामुखी क्रिया में से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, विकास संश्लेषण। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके तत्व विकास संश्लेषण से संबंधित। आप चलते हैं विटामिन एवं पोषण, और आप लोग सभी देखते होंगे कि विटामिन से आपका क्वेश्चन हर बार एक नया क्वेश्चन बन जाता है, किसी भी परीक्षा की बात कर लीजिए आप लोग। फंकी ने आविष्कार किया था किसका, विटामिन का। एक तरह से आप कह सकते हैं कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, फंक ने, या खोज। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक, विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन को किसे, विटामिन को सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। क्या पूछ रहा है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम में से पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। सोडियम एक तरह से पूछ रहा है कि आपसे कि पौधे के विकास के लिए क्या चाहिए होता है, तो आप देखेंगे पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, लेकिन सोडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बोरोन जस्ता सोडियम तांब में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो आप देखेंगे सोडियम नहीं है। कौन कौन है, बोरोन है, जस्ता है और तांब है। ठीक है, सोडियम नहीं है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभूत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम। आप देखते हैं कि आयरन की भी तो हमें जरूरत पड़ती है, हीमोग्लोबिन भी आप सुनते रहते हैं, तो ये नहीं कह सकते हैं कि आप में आयरन की कमी है तो आप जाकर कोई लोहे के टुकड़ा लीजिए दो चार और चबा जाइए, नहीं। एक प्रक्रिया होती है, देखिए पहचानने की, आप सोचें फिर कि ऐसा उठाया डॉक्टर ने बोल दिया कि आयरन की आपको टेबलेट दे देते हैं, आप कहेंगे रहने दीजिए मेरे घर में पड़ी हुई किले में, और जाके आप लोगों ने, ये नहीं, ऐसा नहीं रहता है। पालक खाने के लिए बोला जाता है आपसे, अब तो आपकी ये सब पुराने जमाने के हो गए। अभी तो आप प्रोटीन की कोई भी टेबलेट मिल जाएगी आपको, विटामिन की, हर विटामिन कोई भी एबीसी सबकी मिल जाती है अब तो। ठीक है, भोजन के बारे में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में, किसमें, वसा में। सेब का हृदय रोगियों के लिए, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के, किसके, पोटेशियम के। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बना देते हैं। ठीक है, इस कारण ये आपके सम्मिलित हैं, एक तरह से आपको बस पढ़ना है, क्या है, सम्मिलित है, आपको केवल ध्यान से पढ़ना है। कैल्सिफेरोल अस्थि रोगता, नाइसिन पेलाग्रा या चर्मग्राय, कोबालामिन संघाती रक्तालपा, थायमिन विटामिन बी वन, बेरीवेरी से रोग होते हैं, रोग है एक तरह से थायमिन बेरीवेरी, विटामिन डी सूखा रोग रिकेट्स भी कहते हैं, विटामिन सी रक्त का दबा बनने में समस्या। ठीक, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिर्च, कुमड़ा, मटर, मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है विटामिन सी। आप देखते हैं खट्टे फलों में अधिकतर आपको सी, विटामिन सी देखने को मिलेगा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे ताजे फल, कच्चे ताजे फल। कंचन एक उन्नत किस्म है, किसकी, आंवला की, और आप देखते हैं विटामिन आंवला में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। सेब, आम, आंवला दूध में विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला, ये आपका एक बार यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और कई एग्जामों में से भी पूछ लेते हैं। गाजर, अमरूद, आम, संतरा में से विटामिन सी का की मात्रा सर्वाधिक होती है संतरा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्वी अम्ल, एस्कर्वी अम्ल। ठीक है, आलू, गन्ना, संतरा, चुकंदर में से विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है संतरा। घाव को भरने में सहायक प्रोटीन है विटामिन सी। घाव को जैसे आपको लग जाए कोई भी कुछ भी लग जाता है, खून निकलता है, तो जल्दी घाव भरने में कौन सा सहायक होता है, विटामिन,
सी, अगर आप में विटामिन सी की कमी है तो आप घाव बहुत टाइम लगता है, ठीक है। विटामिन सी की मदद करता है, विटामिन सी मदद करता है लोहे के अवशोषण में। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ई में से वह है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, विटामिन सी, ठीक है, शरीर में भंडारित नहीं होता है वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, तो विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का धब्बा बनने में सहायक आवश्यक होती है, विटामिन के, विटामिन के। ऐसा धब्बा का कहने का मतलब, धक्का बनने का मतलब, आपको खून लग रहा है, अगर आप सोचिए कि वहां खून बंद ना हो, अगर विटामिन के की कमी है तो आप बहता रहेगा, खून बंद ही नहीं होगा कभी, समझ रहे हैं इसकी बात। रुधिर स्कंदन में प्रभावी होता है, तो इसे आप देखेंगे विटामिन के को, किसे, विटामिन के को। आपके जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 और विटामिन के, इनको भी याद रखिए। आपके जीवाणुओं में आपको द्वारा संश्लेषित यानी कि उनके द्वारा उत्पन्न आपको देखने को मिलेगा विटामिन B12 और विटामिन के, ठीक है। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें, तो आप लोग सुबह से 5-10 मिनट के लिए सूर्य के सामने खड़े हो जाया करिएगा। ऐसा भी मत करिएगा कि आप अच्छी धूप पड़ रही हो, आप कहें कि यार चलिए विटामिन डी लेते हैं दिन भर, मान लो चला कि आप लोग जल गए, तो इतना भी मत करिएगा। सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी, कौन सा विटामिन डी, विटामिन डी की अल्पता से होता है, यानी कि कहने का मतलब इसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, इन दोनों को याद रखना। रिकेट्स कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी में क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल। कोलिक के कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, विटामिन डी, विटामिन डी, ठीक है। एक तरह से आप कह दीजिए कि विटामिन डी का दूसरा नाम कॉली कैल्सी फेरोल है, ठीक। रतौंधी होती है विटामिन, रतौंधी आपकी होती है विटामिन डी से, ठीक है। इसका विटामिन डी ही होगा, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन, एक सेकेंड चेक ही कर लेती कहा, मुझे तो क्लियर है। क्या है पता है, मैं सोचता हूं कि आप लोगों को गलत ना बता दूं कभी, आप लोग कहेंगे कि बताइए गलत बता दिया गया, आपका पेपर गलत हो जाए तो फिर आप मुझे ही गाली दें, समझ रहे हैं। विटामिन ए की कमी से, माफ करिएगा, देखा है, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी देखने को मिलेगी, और विटामिन डी की कमी से आपको, विटामिन डी की कमी से रैकेट्स देखने को मिलेगा। और विटामिन आप कहिए कि देखिए इन चार को तो यही बता देता हूं मैं, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से आप कहेंगे बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से आप लोग दांत छन झड़ने लगते हैं एक तरह से, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से रैकेट्स, ठीक है, याद रखिए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, कहाँ, यकृत में, पत्ता गोभी, गाजर फूल गोभी तथा पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक है, गाजर में आपकी विटामिन ए की मात्रा कुछ ज्यादा देखी जाती है। सेब, पपीता, अमरूद, आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, आम, आम, ठीक है। आगे आपका ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल और राई सरसों का तेल में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है, गेहूं अंकुर का तेल, इसमें आपको विटामिन ई देखने को मिलेगा। विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन में से किस किसका जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन ए का, ठीक है। कथन ये देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, कारण उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिए ये कथन आपका गलत है, लेकिन कारण आर सही है इसका। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12, कौन सा, B12, साइनोकोबा कोबालमिन, ए विटामिन B12 है, ठीक है। थायमिन विटामिन B1, ये रासायनिक नाम है इनके, ठीक। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, याद रखिए वसा में विटामिन आपके घुलनशील है AD, ADEK, ठीक है। और विटामिन B और C जल में घुलनशील है।
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई में से ये पानी में घुलनशील है, आपका विटामिन बी, विटामिन बी और विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई आपको देखने को मिलेगा वसा में घुलनशील। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील नहीं है। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है ये आपको देखने को मिलेगा विटामिन सी और बी। ठीक है, एक बार याद रख लीजिए, आप देखेंगे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं ए डी ई के, और आपके जो जल में घुलनशील देखने को मिलेंगे बी और सी, बी सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन बी वन डी और सी। ठीक है, डी और सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, विटामिन B6, विटामिन B6। एक तरह से आपको सही सम्मिलित करना है, सूची एक है आपकी रोग हो गया और सूची दो में कारण है आपके रतौंधी, ये आपकी विटामिन ए की कमी के कारण देखने को मिलेगा, रैकेट्स ये आपको विटामिन डी की कमी के कारण देखने को मिलेगा, स्कर्वी ये आपके विटामिन सी की कमी के कारण मिलेगा, सूखा रोग की अगर बात करें तो विटामिन डी की कमी के कारण देखने को मिलेगा, फॉलिक अम्ल की बात करूं तो रक्ताल्पा और विटामिन B3 ये प्लाग गया। ठीक है, एक तरह से सम्मिलित है, आपको याद रखना है। इसके बाद ये भी सम्मिलित है आपके, इन्हें भी याद रखिए, रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना इसके कारण, टोकोफेरोल ये वंधता, साइनोकोबालामिन घातक रक्ताल्पा, पायरेडॉक्सिन मानसिक व्याधि, विटामिन ई बंध्यापन। ठीक, ये भी आपका सम्मिलित ही है, आपको बस याद रखना है। टाइलिन स्टार्च स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन रक्त में एंजियो टेंसिनोजेन को एंजियो ओटेंसिन में बदलता है, आपका ऑक्सीटोसिन ये मसरण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। ठीक है, इसे भी देख लीजिए आप लोग, सम्मिलित ही है। विटामिन कैरोटीन, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन केराटिन। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, कि प्रति 100 ग्राम में से होता है कितनी ऊर्जा होती है, ये देखने को मिलेगी आपको 116 किलो कैलोरी। ठीक है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप फुला के खाइए उसे, भिंगो के। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के दाने में, चावल मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता पाई जाती है, ये आपकी मूंगफली में देखने को मिलेगा। बाल यानी कि बाल हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं क्रेटिन, क्रेटिन मानव के बाल एवं नख में विद्यमान होता है केराटिन। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है, क्या नहीं है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है यह ग्लूटिन। ठीक है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो मेहनत कर रहा है कोई पुरुष उसके दैनिक एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई थी, ये आपको देखने को मिलेगी 4000 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी। एक गिलास पानी में पीने से मिलती है 0 कैलोरी, कितनी, 0 कैलोरी। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट, क्या है, कार्बोहाइड्रेट लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता हुआ है यह है फास्फोरस, कौन सा, फास्फोरस। ग्लाइकोजन एमिनो अम्ल वसा टोकोफेरोल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है यह है अमीनो अम्ल, क्या है, अमीनो अम्ल। जामुन करौंदा लौकाट अमरूद में से लोहे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको करौंदा में देखने को मिलेगा, करौंदा में। ठीक है, फिर आपका निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है, कैल्शियम लोहे और सोडियम, उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होती है, ये तीनों आपके होते हैं कैल्शियम लोहे लोहा और सोडियम,
एक दो तीन, तीनों सही है। पालक के पत्तों में सबसे अधिक आपने को बताया था कि आयरन देखने को मिलता है, ठीक है, आयरन। फिर आपका गाजर, गाजर, मटर, चावल, पालक में से लोहे का अच्छा स्रोत है पालक। लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। आपको बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल होता है एमाइलोज का, ठीक है। दूध में मिठास आ जाती है, किसके कारण आ जाती है, ये आपको लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में विद्यमान सैकेराइड है लैक्टोज। दूध खराब होता है लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया के कारण। एक तरह से कहिए आप लोग कि दूध खराब होता है तभी आप दही में बदलते हुए देखेंगे। दूध का दही में परिवर्तन होना बैक्टीरिया द्वारा होता है। और याद रखिए कई बार बन चुका है क्वेश्चन आपका, लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ये आपको हल्के पीले रंग का देखने को मिलेगा। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थित होता है कैसीन के साथ कैरोटीन भी इसमें रहता है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है 7.2%, यानी कि 7.2%। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं, ये आप देखेंगे 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य में, ठीक है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, ये आपको रेनिन देखने को मिलेगा। कैसीन दुग्ध होता है, ये प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। दूध का धवल रंग होता है कैसीन की उपस्थिति के कारण। ग्लूटिनिन कैसीन और मायोसिन और हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है, ये आपके कैसीन देखने को मिलेगी, कैसीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, किससे, प्रोटीन से, तो इसलिए प्रोटीन लेते रहा करिएगा। मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन की कमी के कारण, आप देखेंगे मतलब कम ही आप ऊंचाई होगी कम की जैसी बात कर रहा हूं। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर की को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, एटीपी का एडीपी में, ठीक है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में, आप देखेंगे, ये भी आपके सम्मिलित हैं, बस आपको अच्छे से याद रखना। विटामिन B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आपको लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, पीतल तांबा, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसी तरह ये भी आपके सम्मिलित हैं। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B12 कोबालामाइन, ठीक है। लोहा जस्ता गंधक तथा मैग्नीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है, एक गंधक नहीं है, ठीक है। पपीता में मुख्यतः पाया जाता है, आप देखेंगे विटामिन सी। आम, पपीता, गाजर, दूध में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो आप देखेंगे दूध में देखने को नहीं मिलेगा ये, बाकी आप देखेंगे आम, गाजर और पपीता में आपको देखने को मिलेगा। अल्फा कैरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है आपका, ठीक है। वह तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है, ये आप देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है अवरक्त किरणें, कौन सी, अवरक्त किरणें। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतम, यानी कि बच्चों में कम देखने को मिलेगी और बूढ़े लोगों में अधिक। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है, यानी कि सामान्य जो महिलाएं, इनके लिए आप देखेंगे प्रोटीन की डेली 45 ग्राम के करीब इन्हें जरूरत होती है। अगर दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में आवश्यक होती है प्रोटीन की बताएं तो 70% के करीब, ठीक है, 70 ग्राम प्रोटीन की, और सामान्य महिला के लिए 45। देखिए इस तरह के आपके कथन दे दिए जाते हैं, दो चार कथन दे दिए और आपसे कह दिया कि आपको सही करना है, तो आप देखेंगे इसमें कम, वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होती है। बोतल का दूध पीने वाले बच्ची की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में उपरोक्त में से विशिष्ट लक्षण देखने को मिलेंगे आपको, तो आपको 1, 2, 3 देखने को मिलेंगे। वह कम मोटा होगा, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक हो देखने को मिलेगी, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ठीक है, इसमें 1, 2, 3 आपके होंगे। स्टार्च एक है, पॉलीसेकेराइड,
पॉलीसेकेराइड। दोनों दोनों का वनस्पति उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। स्टार्च और ग्लूकोज के बारे में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये आप देखेंगे सी इसमें सही नहीं है। क्या नहीं है? सी सही नहीं है, और इसमें ए बी और डी आपको देखने को मिलेगी। प्रोटीन स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है। स्टार्च क्या? स्टार्च वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को, वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है विटामिन डी को। रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल, एस्कर्वी अम्ल और कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है, तो यह आपको देखने को मिलेगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल सही कथन चुनना है आपको। दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, विटामिन B6, B12 आदि पाए जाते हैं, तो ये सभी आपके पाए जाते हैं, तो याद रखिए दूध में ये सभी विटामिन आपको देखने को मिलेंगे। अति पोषण, अल्प पोषण और असंतुलित पोषण में से कुपोषण होता है अल्प पोषण और असंतुलन पोषण। ठीक है, अति पोषण तो ठीक अवस्था है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। मानव भोजन में वसा मलों का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सामान्य भोजन में 75%, सॉरी 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ये भी आप सही है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होता है, तो इसमें देखेंगे ये भी सही है आपका। इसमें कौन कौन से कथन आपके सही हैं? 1, 2 और 4। ठीक है, अलसी प्रचुर स्रोत है ओमेगा 3 वसी अम्ल का। ओमेगा 3 वसी अम्ल का आपका अलसी प्रचुर मात्रा में मिलता है इसमें, अलसी में। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है अलसी। अलसी दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, कैल्शियम और पोटेशियम भी आपको देखने को मिलेगा। बकरी के दूध में कुछ ज्यादा ही कैल्शियम पोटेशियम आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए, विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है, बिल्कुल सही है। कारण आर, विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, तो ये आपका गलत है। ए ऑप्शन आपका सही है, कथन ए सही है, कारण आर बिल्कुल आपका गलत है। कथन ए, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरिन और टाइरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं है। ठीक है, गलत है। कारण आर की बात करें तो अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, तो आर सही है आपका। ए कथन गलत है, सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन में, ये आप सभी देखने को मिलेंगे। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक का काम करती है, शरीर की ऊष्मा के क्षय की विरोध। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन और खनिज में वह किस जिसके चयापचयी विक्रम से अधिक अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो ये वसा के से किससे? वसा से। अधिकांश प्राणियों की जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। फिर आपका कथन क्या है? कथन ए, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आवंध होता है, ये आपका गलत है, तो इसमें देखेंगे कथन ए आपका बिल्कुल सही है, लेकिन कारण आर गलत है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का वो स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है वह असंतृप्त वसा अम्ल, यानी कि आप कहिए कि मछली, आपने भी देखा होगा आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी कह देता है कि मछली खाइए आप लोग। ठीक, आहार उत्पादों की बिक्री विक्रय में जुटी एक कंपनी वह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी कि ट्रांस फैट्स नहीं होती है, उसके लिए उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए अभिप्राय है, यानी कि किस लिए कहती है ऐसा? कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनी किट तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं,
कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों में से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। ये आपके तीनों कथन बिल्कुल सही है। क्या है? तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। इनसे भी आपके क्वेश्चंस हर बार देखा जाता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो ये सम्मिलित हैं आपके। ठीक है, अब यूपीएससी में या सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस में क्या कर देंगे आपको, क्या करेंगे, वन डे एग्जाम के लिए पूछ लेगा आपका। जनन ग्रंथि किस हार्मोन से संबंधित है? प्रोजेस्टेरोन से। और आपसे उसमें सिविल सर्विस में प्रीलिम्स में पूछ लेगा, आपको चार पांच इसी तरह दे देगा, आपको ये प्रोजेस्टेरोन है इसके वृद्धि हार्मोन की जगह रख देगा, इंसुलिन को कार्टिसोन की जगह, और आपको सही सम्मिलित करने के लिए दे दिया जाएगा। नीचे चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उस तरह से आप लोगों को एक तरह से आप अपने दिमाग में क्वेश्चंस बनाते रहिए जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि ये वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन, अधिवेग कार्टिसोन। ठीक है, इसी तरह सुमलित इसे भी देख लीजिए। सूची एक में हार्मोन दिए गए हैं और स्रावित ग्रंथि जिससे श्रावण स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरोन ये गर्भाशय महिलाओं से। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये आपके अंडाशय पुरुषों से, थायरोक्सिन थायराइड से। ठीक है, आगे है आपका, किसी यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, अग्नाशय के जो हार्मोन है ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लाइकोगन नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर अग्नाशय में खराबी आ जाती है तो इंसुलिन और ग्लाइकोगन नहीं बनेगा आपका, ग्लूकागन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है यह आपका सीक्रेटिन। मधुसूदनी इंसुलिन, अंतःस्राव हार्मोन एक है पेप्टाइड, पेप्टाइड। ठीक है, इंसुलिन होता है प्रोटीन, इंसुलिन क्या होता है प्रोटीन। टिन तांबा जस्ता और एल्यूमिनियम में से इंसुलिन में मौजूद होता है कौन सी धातु होती है, ये आपको जस्ता देखने को मिलेगी, इंसुलिन में उपस्थित रहती है। कथन ए, उदक में डायबिटीज इंसिपिडिस वाले व्यक्ति को प्यास लगती है। बिल्कुल सही बात है, उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त ग्रस्त रहता है, ये आपका गलत है। तो इसमें आप देखेंगे एक कथन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, कथन ए, हिस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। कारण आर, एल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है, ये आपका गलत है। कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है आपका। कारण कैसा है? गलत है। ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन और इंसुलिन में से वह जिसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह या डायबिटीज हो जाती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा इंसुलिन से। किससे? इंसुलिन से। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। ठीक है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। कहाँ? अग्नाशय में। इंसुलिन एक प्रकार का है हार्मोन, इंसुलिन एक प्रकार का है हार्मोन। साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन और जिब्रेलिन में से पादप हार्मोन नहीं है इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। इंसुलिन थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन और एस्ट्रोजन में से पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। इंसुलिन थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से पौधी वृद्धि हार्मोन प्लांट हार्मोन कहलाते हैं। कौन सा? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से भी, इंसुलिन प्राप्त होता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। अगर आप देखते हैं कि अतिरिक्त आपके शरीर में ग्लूकोज है तो उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके इसे यकृत भंडार कर लेता है अपने पास, लीवर। ठीक है, यकृत एवं मांसपेशियों पेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुमना प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन, कैराटिन फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन और कोलाइजन, कोलाइजन में से प्रोटीन नहीं है, ऑक्सीटोसिन नहीं है आपका, ठीक है। वह ग्रंथि जो दुग्ध निष्कादन निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है, पीयूष ग्रंथि है। ये ऑक्सीटोसिन आपका क्या है, हार्मोन है, इसके कारण ही आप देखेंगे दुग्ध निष्कासन होता है, ठीक है, मां की दुग्ध ग्रंथियों से। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, यह है परावाटू, परावटू। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन की, किसकी, ऑक्सीटोसिन की सुई के कारण आप देखते हैं गाय और भैंस के जो थन होते हैं उनमें दूध उतारने लगता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सेसिक एब्सेसिक अम्ल, थायरोक्सिन एक हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, कौन सा है, थायरोक्सिन है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, किसका, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, ठीक है। फिर आपका कथन ए, पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर यानी कि घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है, बिल्कुल सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, ये आपके दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, एक अमीनो अम्ल, एक अमीनो अम्ल, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन है टी एस एच, थायरोक्सिन टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन और एडिनलिन हार्मोनों में से कौन आयोडीन है, थायरोक्सिन, क्या है, थायरोक्सिन, ये सम्मिलित है आपकी, आपको बस याद रखना है, एड्रिनेलिन क्रोध भय खतरा इसके कारण आता है, एस्ट्रोजन स्त्रियों, इंसुलिन ग्लूकोज, फेरोमोन गंध के बोझ से साथी को आकर्षित करना, फेरोमोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, याद रखिए एडिनेलिन ये आपका लड़ो और उड़ो हार्मोन इसे कहा जाता है, ठीक है। वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है, ये आपकी एड्रेनेलिन। परितृप्ति प्यास के केंद्र में मानव मस्तिष्क के जिस भाग में अवस्थित हो है वह है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है कहां से, पुटिका द्वारा, एस्ट्रोजन है हार्मोन, क्या है, हार्मोन। स्त्रियों में से रजोन्वृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है वह है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आप लोगों से इसीलिए तो कहता हूं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके आप लोग 5 से 6 साल के क्वेश्चंस उठाकर देख लिया करिएगा कि आखिर क्वेश्चंस किस तरह से बन रहे हैं, ठीक है, मुझे लगता है तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आते हैं। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। पुरुषों की अंड ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं, बिल्कुल गलत है। महिलाओं की अधिव्यक्त ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं, ये आपका गलत है। पितिबल के कारण अधिव्यक्त ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल मोचित होता है, ये आपका सही है। सत्य कथन पूछ रहा है तो आप बताएंगे 1 और 4 इसमें सही है, 1 4 इसमें कैसा है, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे सम्मिलित है, सम्मिलित करना है आपको, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम लाइपेज, फास्फोलिपिड, लेसिथिन, बहुलक पॉलीइथिन, ठीक है, इनसे संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर फिर आपको विचार करना है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं को से स्रावित होता है तथा क्षारीय प्रकृति को होता है, क्षारीय होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ये गुण विशिष्ट हैं अग्नाशय के, इसके अग्नाशय के तीनों विशेषताएं हैं एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है।
यकृत पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और गुर्दा में से मनुष्य के शरीर में बाहिनी भी बाहिनीहीन है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि एक तरह से आपके ये वाहिनी विहीन है। मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। परावटु पैराथायराइड हार्मोन करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ये तो आप लोग को क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, आप लोगों में से अधिक लोगों को याद भी होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी पीला अग्नाशय अपेंडिक्स और पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है। तो आप जानते हैं कि पित्ताशय में इसका पित्तरस का संचय होता है, इकट्ठा होता है। शरीर में पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत। याद रखिए पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में, लेकिन इसका संग्रह होता है पित्ताशय में। ठीक है। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। एससीएल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है। वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एंटी रोगिस्टोन उत्पन्न होता है। ये भी आपका सही है, यानी कि आपकी एक और दो दोनों कथन बिल्कुल सही है, सत्य कथन है। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया है जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने की प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। वह पदार्थ है एक वृद्धि हार्मोन जिसे हम लोग टीवा कहते हैं, TI भी ये कहते हैं। ठीक है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। साइटोकाइनिन और एब्सेविक्स एब्सेविक्सिक अम्ल और एथिलीन में से वह पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, यह आपका एथिलीन। क्या है? एथिलीन। फिर आपका है कार्की से संबंधित, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन उनके आंसर। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं फॉर्मिका में, इसी के लिए आप देखते हैं कि एक तरह की जलन आपके शरीर में होने लगती है। नरसंघ प्राणी है हेल। हृदय फेफड़ा यकृत वृक्क में से वह भाग जो शरीर ताप को नियंत्रित रखता है, तो आप जानते हैं फेफड़ा। ठीक है। मानव शरीर का तापक्रम होता है औसतन आप देखेंगे 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है। और मानव शरीर के सामान्य तापक्रम अगर डिग्री में हम लोग देखें सेंटीग्रेड में, तो ये आपका सेंटीग्रेड में देखेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है और कुछ नहीं। फीता कृमि उभयलिंगी है, सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, ये भी सही है। फाइलेरिया सूत कृमि से होता है, ये भी सही है। गिनी कृमि एनिलेड होता है, ये आपका गलत है। इसमें ऐसे आपका 1, 2, 3 कथन सही है, लेकिन चौथा कथन आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है। घटपर्णी अमरवेल ब्लैडर वर्ट और सूरजमुखी में से परजीवी पौधा है अमरवेल। कौन सा? अमरवेल। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काट से। निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। बोगेनविलिया कार्नेशन कोको और अंगूर, इनमें से वह पादप जो स्तन कार्तन द्वारा विवर्धित किए जाते हैं, ये चारों आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि एक तरह से आप कह दीजिए कि इनकी आप शाखा ले जाकर लगा सकते हैं। ठीक है। मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलम बंद तरीके तकनीक द्वारा होता है और चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। ये दोनों सही है आपके। क्या है? दोनों कथन आपके सही है। मानव का मस्तिष्क का वह भाग जो निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, यह आपका मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन ए, सोते समय तीव्र विकास अवांछनीय होता है, बिल्कुल सही है। कारण आर, तीव्र विकास में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, ये आपका गलत है। ये ऑप्शन आपका सही है, कथन ए सही है, कारण आर गलत है आपका। आपको क्वेश्चंस इससे मैंने भी देखा है कि रोग एवं उपचार, इससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को हर बार मिलता रहा है एक नई क्वेश्चन। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है, इसे आप लोग आर्थराइटिस भी कहते हैं। यूरिक अम्ल के जमाव से
मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉपसी का कारण है, जैसा कि भारत में होता भी है। सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट, सरसों के तेल में साइनाइड अंश और उजला रंग करने वाली मिलावट आदि के कारण, ठीक है। यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है, जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। पर वैज्ञानिक धैर्य पूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया गया लगता है कि विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ऊपर की उदाहरण में निर्दिष्ट रोग है कैंसर, किसका? कैंसर का। ये पूरा आप कहिए कि वाक्य जो दिया गया कैंसर के संदर्भ में दिया गया है आपका। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है, जिसकी कैंसर उपयोग में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा कौन सा है? पार्थिनियन। कौन सा? पार्थिनियन। एल्कोहल के निरावेशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है कौन सा? यकृत, लीवर। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है तो आप देखेंगे पीलिया, जिसे आप लोग तिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। स्पिलीन। प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है कौन सा है? मच्छर है। मच्छर, मच्छर मक्खी और जू में से प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है आप मच्छर, क्या है? मच्छर। मलेरिया तथा डेंगू में ज्वार मच्छर की काट और मानव प्रजाति तथा मच्छर प्रजाति में से उभयनिष्ठ नहीं है, तो आप देखेंगे मच्छर प्रजाति नहीं है इसमें से। कौन सी नहीं है? मच्छर प्रजाति। स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया और दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है, तो आप जानते हैं डेंगू किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से, ठीक है, यानी कि कीट के काटने से। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा, ठीक है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है, किसकी? प्लेटलेट्स की, ठीक है, किसकी? प्लेटलेट्स की। पीला बुखार फैलता है एडीज इजेप्टी जाति के मच्छरों के द्वारा, ये आपका पीला बुखार फैलता है। वह वैज्ञानिक जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, तो ये थे सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस मलेरिया, कोलरा, कोलरा और जार्डिस, जॉन्डिस या जॉन्डिस भी कहते हैं, मैं वह रोग जो प्रोटोजुआ द्वारा होता है, तो आप जानते हैं मलेरिया होता है इसमें, ठीक है। एक जीव के संपूर्ण संजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण वर्ष 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव कौन सा है? फिलाजमोडियम वाइवेक्स, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, इसमें से सही कथन हमें चुनना है। एक तरह से डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजुआ रोग है, गलत है। प्रत्येक नेत्र गुहा में गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, ये भी आपका गलत है। त्वचा पित्तिका नाक से रक्त स्राव डेंगू के कुछ लक्षण है, तीसरा इसमें केवल आपका सही है, ठीक है। मलेरिया के संबंध में सत्य कथन है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्र में अधिकतर होती है और इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जाता है। ये तीनों कथन आपके बिल्कुल एक तरह से सही है। देखिए, आपसे पूछ लेगा कि मलेरिया के संबंध में सही कथन चुनना है और नीचे आपको तीन चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको इनमें से चुनना पड़ेगा, ठीक है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी है पी वाइविक्स परजीवी। पीत पीत जो है यानी कि पीत बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस रोगों में से वह जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है, तो आप जानते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस आपका टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है, इसमें आपका पीत ज्वर, डेंगू, चिकनमोनिया इससे फैलता है। एंथोफोबिया का डर है पुष्पों का। हाइड्रोफोबिया होता है बीषाणु के द्वारा, किसके द्वारा? वायरस के द्वारा, बीषाणु के द्वारा। मस्तिष्क यानी कि माइंड, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है, ये आपका मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस मानव शरीर में उरेविका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। उपयुक्त कथनों में से सही चलना है,
तो आप देखेंगे मानव शरीर में उर्विका यानी कि फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है, ये कथन आपका सही है। और हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ये कथन भी आपका सही है। यानी कि एक दो सही है लेकिन तीसरा आपका गलत है। तीसरा कैसा है? गलत है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटा वायरस, रोटा वायरस। ठीक है, बाथुनुमाद हिस्टेरिया, हिस्टेरिया रोग सामान्यता होता है जवान महिलाओं में। किसमें? जवान महिलाओं में। सिलिकोसिस एक है फेफड़े संबंधित बीमारी, फेफड़े से संबंधित बीमारी है। ये सही सम्मिलित है, आपको अच्छे से याद रखना। यानी कि एनीमिया, रक्ताल्पता यानी कि रक्त की कमी, लोहे तत्व की कमी के कारण होता है। गला घोंटू, ग्वाटर भी कहते हैं, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी, ये विटामिन बी की कमी के कारण आपका होता है। ठीक है, रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। हम लोग पीछे भयभीत हो चुके थे एक तरह से। ठीक है, वहां मैंने डी बोल दिया था, डी विटामिन डी से रैकेट्स रोग होता है, सूखा रोग, घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं घेंगा रोग से। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल लोग चावल होता है, वहां के लोग किससे पीड़ित होते हैं? बेरी बेरी, समझ रहे हैं? यानी कि विटामिन बी इसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। बीमारी बीमारी पता करने की यंत्र एमआरआई का मतलब क्या है? चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, एमआरआई है, मैग्नेटिव रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थि रंधता हेतु। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप है बोन मिनरल डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से। ठीक है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है सेल्मो नेला बेसिलाई। ठीक है, भोजन का विषाक्त होना उत्पन्न होता है क्लोस्ट्रिडियम डीएम के संदूषण से, अर्गटा पर उपभोग से होता है संदूषित अन्न से। एटाइटाई रोग किससे होता है? ये आपका कैडमियम के दीर्घकालिक विषाक्तन से होता है। तो एक तरह से आपसे पूछे कि एटाइटाई रोग किससे होता है, तो कैडमियम से भी आप बोल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, शरीर में वह स्थिति जिसे कैंसर कहते हैं, सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना, एक तरह से सेलों का एक तरह से बढ़ना अनियंत्रित नियंत्रित तरीके से। ठीक है, फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है, इसे भूल से निर्देशित है एंजाइम के वंशागत अभाव का। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटो न्यूरिया रोग से प्रभावित है, उसमें मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसमें? जो व्यक्ति फेनिल कीटो न्यूरिया से प्रभावित रहता है इस रोग से। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बेहद क्षेत्र में फैलता है, तो उसे हम लोग पैंडेमिक कहते हैं। अभी आपने देखा है कोरोना महामारी को भी पैंडेमिक कहा गया है, तो आप समझ रहे हैं सभी देश से, लगभग कोई देश इससे नहीं बचा है जो प्रभावित हुआ हो। आपने देखा है अर्थव्यवस्थाओं को चौपट कर दिया है, फिर चाहे किसी भी अर्थव्यवस्था को आप ले सकते हैं, अमेरिका या फिर किसी भी को, आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था को भी देखा है आपने, -23, 23, 24% के करीब नीचे चली गई है। ठीक है, डीबीटी का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस से सुरक्षा हेतु, इसके लिए डीबीटी का टीका दिया जाता है। तृतीयक पितीजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है रोहिणी, कुकर खांसी, टिटनेस से बचाव के लिए। डीपीटी का टीका काम नहीं आता है पोलियो के लिए, इसके लिए आप देखते हैं पोलियो का टीका दिया जाता है। टीका का मतलब ये होता है कि देखिए पोलियो को टीका बचपन में देने लगे हैं, तो बच्चे में एक तरह से आप प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करा दी जाती है कि आगे अगर पोलियो वायरस
एक तरह से हावी होता है तो उसे वही मार दिया जाएगा, और बच्चे की सुरक्षा या आगे चल के इंसान की सुरक्षा होगी। ठीक है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है, कुकर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए। विषाणु जनित बीमारियां हैं मम्स, रेबीज, हर्पीज। ठीक है, विषाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी हैं? मम्स भी, रेबीज भी और हर्पीज भी। एड्स, डिप्थीरिया, हैजा और काली खांसी में से वह रोग जिसका कारण जीवाणु नहीं होता है, तो आप जानिए एड्स, एड्स। ठीक है, ये आप एचआईवी वायरस के कारण होता है आपका। ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारी बीमारी होती है, पेयजल में नाइट्रेट की अधिक विद्यमान होने के कारण आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलेगी बीमारी। ठीक है, नाइट्रेट की अधिकता के कारण। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक की बुलबुली में किया जाता है, इसीलिए बबल बेबी रोग भी कहते थे। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, शरीर में मैथे मोगेलोविन की अधिकता के कारण। ठीक है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध हृदय घास से। किससे? हृदय घास से। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है हृदय घास से बचाने के लिए, हार्ट अटैक से बचाने के लिए। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है निम्न रक्तचाप। क्या है? निम्न रक्तचाप। यदि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है रहा हो तो ऐसे व्यक्ति में संभावना होती है, यानी कि किडनी के फेल होने की, विक के फेल होने की। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के जिस अंग पर पड़ता है वह है गुर्दे पर। किस पर? गुर्दे पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा जाता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन ADH हार्मोन द्वारा। ठीक है, ये सम्मिलित क्रम है आपको बस याद रखना है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान के लिए उपयोग होता है, कोबाल्ट 60, A60 आपका कैंसर के लिए उपचार के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि सक्रियता, और रोडियम 24 सोडियम 24 यानी कि 24 रक्त वृद्धि क्रम के लिए। ठीक है, इन्हें भी याद रखना है, इनसे भी आपके क्वेश्चंस बनते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्यूमर की पहचान हेतु उपयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74। सम्मिलित है आपके, अच्छे से याद रखिए, कोबाल्ट 60 यानी कि कोबाल्ट 60, शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार, आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार, फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार, गोल्ड 158 कैंसर के उपचार में उपयोग होता है। ठीक है, इन्हें भी याद रखिए। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है रेडियो सोडियम का, रेडियो सोडियम का। रक्त कैंसर जिसे आप लोग ल्यूकीमिया भी कहते हैं, बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाले रेडियो स्थानिक है फॉस्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, फॉस्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। ऑन्कोजीन संबंधित है, एक कर्क रोग से संबंधित है। किससे? कर्क रोग से। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कौन सी? गामा किरणें। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है AS-74 जिसे आप लोग आर्सेनिक 74 भी कहते हैं, 74। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है फॉस्फोरस 32 और कोबाल्ट 64, कोबाल्ट 60, फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ठीक है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है आयनिक विकिरण, आयनिक आयनीय विकिरण करती हैं। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन है स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। ठीक है, अधि रक्त स्राव एक अनुवांशिक विकार है। क्या है? अनुवांशिक विकार है। ठीक है, रॉयल हीमोफीलिया टेसेक्स रोग और पुटिये तंतुमयता तथा हाइपरटेंशन में से अनुवांशिक रोग लिंग संहिता है, ये आप देखेंगे रॉयल हीमोफीलिया, रॉयल हीमोफीलिया है। ठीक है, हीमोफीलिया हीमोफीलिया
एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन ना होना, रक्त का ना जमना। हीमोफीलिया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर तथा पेचिस में से वह विधि जो अनुवांशिक है, तो आप देखेंगे इसमें हीमोफीलिया है आपका। अनुवांशिक अव्यवस्था है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और दात कोशिका अरक्तता। ठीक है, ये सभी आपकी अनुवांशिकी के कारण होती हैं, अनुवांशिक बीमारियां हैं। वह जो लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अपप्रभावी जीन के निष्पीडन से उत्पन्न होता है, यह आपका पेशी दुष्पोषण, सेरिब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी बीमारी है दिमाग की, जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। किसमें? छोटे बच्चों में। ठीक है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह है मस्तिष्क, यानी कि आपका माइंड। ठीक है, अल्जाइमर। चलते हैं आगे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन को खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। वह प्रोटीन कौन सा है? यह है आपका एमीलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ठीक है, हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव है अंग है कौन सा? मस्तिष्क, माइंड। मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है आंख, क्या है? आई। पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन या जल से, गंदे जल या फिर दूषित भोजन से। पोलियो के कारण होता है, किसके कारण होता है? विषाणु वायरस के कारण। पोलियो के टीके की खोज की है जॉन साल्क ने। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से, इसलिए आप जानते हैं कि इसे साल्क टीका भी कह देते हैं, इन्होंने खोज की थी। वह बीमारी जिसके लिए ट्राई वेलेंट के स्थान पर बाई वेलेंट ओआरवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, यह है आपका पोलियो। क्या है? पोलियो। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से, किससे? फफूंद से। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी द्वारा, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क, क्या है? माइंड। पैथोजीन जो सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है ये रेनो वायरस से होता है, किससे? रेनो वायरस से। विषाणु संक्रमित कर सकता है, कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को और पादपों को। ठीक है, इन सभी को खुजलाने से खाली मिट्टी के है, क्योंकि इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रति हिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती हैं आपका। एनोस्मिया कहते हैं ग्राड़ ग्राड़ संवेदना की कमी को। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। यकृत रोग हेपेटाइटिस टाइटिस बी का कारक है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है डीएनए, डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है वायरस के कारण, किसके? वायरस के कारण। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है, आप देखते हैं इससे यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा और हेपेटाइटिस में से वह रोग जो वायरस द्वारा होता है, तो आप देखते हैं हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस। सल्फा दवाइयां कारगर है जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों को सही करने के लिए। यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है एमिनोसैसिलिक एसिड, ये यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयोगात्मक है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों को प्राण लेने वाली जान लेने वाला रोग है यक्ष्मा यानी कि टीवी। याद रखिए WHO एक संगठन है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, याद रखिए, इसमें 7 अप्रैल को आप जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वो रोग कौन सा है? क्षय रोग। कौन सा है? क्षय रोग। ठीक है,
आपका जीवाणुओं से उत्पन्न होता है, क्या होता है, तपेदिक, यानी कि टीबी। तपेदिक रोग का कारण है जीवाणु। सही सम्मिलित करना है, स्वपेटी रक्षित रोग, संधिपा वात, संधि शोथ, पामा रोग, चिंचड़ी, मानसिक रोग, मनोविकलता। ठीक है, क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है मेंटॉक्स का परीक्षण। ठीक है, ये भी सम्मिलित है आपके, अच्छे से याद रखिए। खैरा, जस्ते की कमी के कारण होता है एनीमिया, लोहे की मलांता के कारण। ग्वाटर, गल घोंटा, ये आयोडीन की मिलानता यानी कि कमी के कारण। स्कर्मी, विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, टेटनस नामक रोग जाना जाता है, लॉग लॉगजा नाम से भी। मिनी माता ब्रादी, जिस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है वह है पारा, क्या है, मरकरी। मिनी मिना माता, मिनी माता या फिर मिना माता, वृद्धि का मुख्य कारण है पारद विषाक्तता। जापान में 1953 में मिनी माता वृद्धि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी पारद द्वारा। ठीक है, प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू में से संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, नहीं होता है, कौन सा, प्लेग। एलर्जी के कारण होता है अस्थमा की बीमारी, क्या, अस्थमा की बीमारी। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको हो सकता है स्कर्वी रोग, क्या हो सकता है, स्कर्वी रोग। आम, पपीता, आंवला, बेर में से स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला, क्योंकि आप जानते हैं विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए, ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए। ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी है हमारी, ठीक है, DRDO। ये भी आपके सम्मिलित हैं, बस आपको याद रखना है क्या है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है, रैकेट्स ए हीनता जन रोग है यानी कि विटामिन डी की कमी से होता है, रिंग वार्म एक कब की संक्रमण से होता है। ठीक है, इसे भी याद देख लीजिए। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करते हैं, मोतियाबिंद ये आंख को प्रभावित करते हैं आपकी, पीलिया यकृत को प्रभावित करते हैं आपकी। ठीक है, ये भी आपका सम्मिलित है। मलेरिया रक्त कोशिकाएं, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, इंसेफलाइटिस मस्तिष्क शोथ यानी कि माइंड से संबंधित, ल्यूकीमिया श्वेत रक्तता, ये बोन मैरो अस्थि मज्जा से। इसे भी आप याद रखिए, ये वृद्धि और ये कारण। मैरेस्मस ये दीर्घकालिक उपवास के कारण होता है, क्वासी योरकर्प ये प्रोटीन के कारण, अल्प प्रोटीन की कमी के कारण। टीबी जीवाणु संक्रमण के कारण, हेपेटाइटिस बी ये विषाणु संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है यह है मेरा इस्मस। ठीक है, सम्मिलित करना है, प्लेग, चूहा, ये रोग फैलते हैं इसके कारण, रेबीज आप देखते हैं कुत्ता के कारण। अब तो एक ही इंजेक्शन से काम चल जाता है, कहते हैं कि पहले 24 इंजेक्शन लगते थे अगर कुत्ता काट लेता था। टैप वर्म, एक ही इंजेक्शन से हमारी जान निकल जाती होगी हम लोगों की, समझ रहे हैं आप। सुगर के कारण फैलता है, पोलियो विषाणु के कारण आपका फैलता है। गॉल कृमि यानी कि नीमेटोड से होने वाला रोग है, यह है आपका फाइलेरिया, फाइलेरिया ये भी आपके सम्मिलित हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। वायु द्वारा टीबी फैलता है, पानी द्वारा कोलेरा यानी कि हैजरा फैलता है, संपर्क से सिफिलिस फैलता है, घाव द्वारा टिटनस होता है। ठीक है, सम्मिलित करना है, मलेरिया पोटोजुआ द्वारा होता है, तपेदिक यानी कि टीबी जीवाणु द्वारा होती है, दाद कवक के द्वारा होता है, एड्स HIV वायरस के कारण है यानी कि विषाणु के कारण होता है, गंजापन कवक के कारण होता है। ठीक है, सही सम्मिलित करना है, वर्णांधता हीमोफीलिया और दांत कोशिका अरक्तता अनुवांशिक रोग है, सभी इनके बारे में याद रखिए, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, क्या करना है, विचार ही तो करना है। डिप्थीरिया,
छोटी माथा यानी कि जैसे आप लोग चिकन मॉक्स कहते हैं, चेचक, स्मॉल पॉक्स, उपयुक्त में से भारत में उन्मूलन हो चुका है, चेचक का हो चुका है, ठीक है, किसका, चेचक का हो चुका है। ठीक है, ये भी आपका सम्मिलित ही है, प्लेग पिसुओं के काटने से फैलता है, आप देखते हैं कुत्तों पशुओं में इस तरह के पिसुए देखने जाते हैं। फाइलेरिया मच्छरों से फैल होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है ये रोग, टाइफाइड ये आंतों को प्रभावित करता है, निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है, आ बिंदुकता एक बीमारी है आंखों की, मौत मायोपिया दोष है नेत्र का यानी कि आंखों का, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किससे, ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, अवतल लेंस प्रयोग करके इसे ठीक करते हैं, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, लेकिन दूर की यानी कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है वो पास की वस्तुओं को तो आराम से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को आराम से नहीं देख पाता है, अगर और इसे किस अवतल लेंस के द्वारा सही किया जाता है, ठीक है, अवतल, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की को कठिनाई होती है पास की वस्तुएं स्पष्ट देखने में, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो उसे स्पष्ट दिखाई दे देती है लेकिन पास की वस्तुएं ठीक नहीं देती हैं, और इसे सही करने के लिए आप देखें कि उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, आंख का वह भाग जिससे जिसमें अंधबिंदु या फिर पीत बिंदु पाए जाते हैं, दृष्टि पटल, रेटिना अपवृद्धि है, अग्र मस्तिष्क पच्चीस, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उपदेगो में परिवर्तित होती हैं, अक्षपट रेटिना पर, यदि आंख पर लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है, मोतियाबिंद, क्या, मोतियाबिंद, ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है, किले सॉरी किलो रेम्फेनिकॉल, ठीक है, ये भी आपका सही सम्मिलित है, सूची एक सूची दो, एट्रोपिन तारा विस्फारण, ईथर स्थानीय संघारण, नाइट्रोग्लिसरीन हृदय की तकलीफ, पाइरेथियन मच्छर नियंत्रण के लिए, ठीक है, मानव आंख की पुतली जिस एल्किलाइड की अति तनु विलयन से फैलाई जाती वह है एट्रापिन, एट्रापिन निद्रा रोग स्लीपिंग रोग एक तरह से होता है नामक बीमारी होती है, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण होती है निद्रा रोग, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है इस बीमारी में, इसे भी देख लीजिए, एड्स का संचरण होता है लैंगिक संभोग से, रक्ताधान से, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से, अपरा के संपर्क से, उपयुक्त में से सत्य है तो आप देखेंगे लैंगिक संभोग से, रक्ताधान से और अपरा के संपर्क से, लेकिन मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से नहीं होता है, तीसरा इसमें गलत है, बाकी एक तीन और सॉरी एक दो चार सही है, तीसरा गलत है, ठीक है, HIV एड्स रोग नहीं फैलाता, मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए, सूजे हुए लचका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप होना, वजन का घटना, इनमें से एड्स के लक्षण हैं ये चारों में, एक दो तीन चार, ठीक है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, कथन ए, एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है, और कारण आर यानी मिसप्रिंट हो गया, एड्स में टी लेम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, ये आपके सही हैं दोनों, आर एक ही सही विवेचना भी करता है, ठीक है, HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स, HIV वायरस के द्वारा होता है, एड्स का कारण है वायरस यानी कि विषाणु, ठीक है, एड्स विषाणु में होता है, RNA प्लस प्रोटीन से बना होता है, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रेट्रो विषाणु का, किस तरह का, रेट्रो विषाणु का, चिकनगुनिया यकृत और HIV एड्स उपयुक्त बीमारियों से वह जो टैटू बनवाने के दौरान
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती हैं। तो HIV एड्स शोथ भी हो सकता है, यकृत शोथ भी हो सकता है। याद रखिए, इसीलिए कहा जा कहता हूँ कि कभी इस तरह की एक जगह से दूसरी जगह खून जहाँ चला जाए इस तरह के काम मत ही किया करिएगा। कहने का मतलब मेरा कि इस तरह के टैटू बनवाना बंद कर दीजिए। अगर आप कहीं बाल भी कटवाने जा रहे हैं तो वहां भी जो भी ब्लेड बदली जाती है उसे भी बड़े ध्यान से देख लिया करिएगा, ठीक है। वह प्रभेद जो भारत में प्रभावी है, HIV एड्स संक्षिप्त रूप है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम का, यानी कि इसका पूरा नाम HIV AIDS का पूरा संक्षेप एक नाम है, ठीक है। एड्स वायरस HTLV-B थर्ड की खोज की थी रॉबर्ट गेलो ने, रॉबर्ट गेलो ने। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है जेडोबुडिन, एजेडो थाइमिडिन, एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स की पहचान के लिए। एक आपका कई बार पूछा जा चुका है, एलिसा एलिसा परीक्षण किया जाता है किसके लिए, एड्स की पहचान के लिए। बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटनों, कंधों, नितंबों, एडी जैसी कसौरिकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का। जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक कारक होता है विषाणु, विषाणु के कारण जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलता है आपका। सूअरों को यानी कि सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से यानी कि मानव बस्तियों से दूर रखना सहायक है जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए। अगर इससे आपको बचना है जापानी इंसेफ्लाइटिस से तो आपको सुगर जो होते हैं इन्हें दूर ही रखना चाहिए बस्तियों से यानी कि अपने निवास से। शरीर में लोहे की कमी से हो जाता है रक्त क्षीणता एनीमिया। क्या है अगला? शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न वाला रोग है रक्तहीनता, वह रोग जिसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। यह मीसल्स यानी कि खसरा, खसरा की बीमारी होती है वायरस के द्वारा, किसके द्वारा, वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा। मदिरा के अतिशय सेवन से होता है यकृत का सूसन रोग। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तंबाकू युक्त गुटखा, तंबाकू युक्त गुटखा पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत यानी कि लीवर। मम्स कालरा तपेदिक पीलिया में से सबसे कम संक्रामक है पीलिया, क्या है, पीलिया। कवक के कारण होता है त्वचा का प्रदाह रोग, एक कवक के कारण देखने को मिलेगा। पित्तियों पित्तियों जलता और बढ़ांधता एड्स गंजापन में से कवक जनित रोग है आपका, गंजापन कवक जनित कवक के कारण होता है, ठीक है, बाल झड़ना। संक्रामक बीमारी है एड्स छोटी माता गलसुआ, ये सभी संक्रामक बीमारी है। स्त्रियों की तुलना में तक अधिक पुरुष वर्धांधता से पीड़ित हो सकते हैं, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होने के कारण। महिला तभी पीड़ित हो सकती है जब इसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित हों। कथन चेचक विषाणु द्वारा होता है, कारण मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। आपके कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन पर आधारित है, कारण कथन पर आधारित है। इम्यूनोलॉजी का जनक है किसके द्वारा किया गया, इसके जनक यानी कि पिता किसे कहते हैं, इम्यूनोलॉजी का एडवर्ड जेनर। एक वर्धांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्धांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में, ठीक है, ना कि पुत्रियों में। अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्धांता है पर उसका पति वर्धांत नहीं है, इनके लिए एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में जिस कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना, वह पुत्र वर्धांत होगा किंतु पुत्री वर्धांत नहीं होगी। देखिए, पुत्री तभी वर्धांत होगी जब दोनों एक्स जो गुणसूत्र हैं प्रभावित हुए इससे, इस भी रोग से, ठीक है। एक वर्धांत पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, उनके बच्चों की वर्धांत होने की संभावना होती है 50%। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से, यह भी आपका कई बार पूछ लिया जाता है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, मुर्गियों से।
मुर्गियों में रैकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। दंत क्षय का मुख्य कारण मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर विभाग के कारण होता है। दांत गिरना दंत क्षय, ठीक है। दंत क्षय का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। बैक्टीरियल संक्रमण छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों की संभावना हैजा, टाइफाइड तथा कामला से पीड़ित होने की। चेचक मलेरिया हैजा तपेदिक में से जल जनित रोग हैजा। हैजा आप जानते हैं कि जल के द्वारा फैलता है। पहले आप देखते थे कि ये हैजा आता था तो गांव के गांव साफ हो जाया करते थे, समझ रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ी बीमारी थी एक तरह से। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके, जल जन रोगों से होते हैं यानी कि जल के कारण होते हैं। टाइफाइड हेपेटाइटिस बी पीलिया तथा हैजा रोग में से वह जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं होता है, ठीक है। बाकी टाइफाइड और पीलिया और हैजा रोग इस पानी के कारण होते हैं। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में पिछले तीन संचारी रोग हैं कौन कौन से, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टो समारोगणता, ये तीनों। बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी के लिए, अक्षमा के लिए, ठीक है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। ब्राइटस रोग प्रभावित करता है गुर्दे को, किसको, गुर्दा को। फुफ्फुस धूलिमयता न्यू मोकोनियोसिस से बेशर्मिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः काम करते हैं कोयला की खदानों में, कोयला की खनन में, या ठीक है। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन मिर्गी और बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। इसका कारण क्या था, रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता बढ़ जाने के कारण, ठीक है। फुट एवं माउथ रोग, एंथेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउ पॉक्स दुधारू पशुओं की उपयुक्त बीमारियों में संक्रमणीय है। ये चारों हैं आपके, क्या हैं, चारों हैं, याद रखिए ये चारों पशुओं से संबंधित बीमारियां हैं, ठीक है। मेडगांव रोग का कारक है प्रायोन्स, ठीक है। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है वायरस के कारण, किसके कारण, वायरस के कारण, विषाणु के कारण, ठीक है। फुट और माउथ रोग प्रमुखता पाया जाता है मवेशी, भेड़, सुअर और बकरियों में, ठीक है। 2011 को पशुओं में होने वाली जिस बीमारी के कारण चिन्हित किया गया वह है रेंडरपेस्ट, रेंडरपेस्ट। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा, किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा। थैलीसीमिया के रोगी में शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, हीमोग्लोबिन की। थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है खून को, किसके, ब्लड को, ठीक है, खून को। इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है कैंसर के नियंत्रण के लिए, इंटरफेरोन का उपयोग करते हैं। सन 2003 यानी कि वर्ष 2003 में जब ली एंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। वह समस्या क्या थी, एक सिस्ट आत्तजुआई का कारण होता है जीवाणु, क्या होता है, जीवाणु। वह बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है, यह है गाउट यानी कि गठिया रोग। मधुमेह, पोलियो, खांसी, काली खांसी, चेचक में से वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है मधुमेह को, किसे, डायबिटीज को, ठीक है। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा, उपयुक्त में से कौन से मधुमेह से संबंधित हैं जो प्रोनो का एक सामान्य रोग है। तो आप देखते हैं शर्करा, रक्त में शर्करा का उच्च स्तर और तीसरा इसमें रक्त की में इंसुलिन की निम्न मात्रा, एक और तीन है इससे संबंधित, ठीक है। वैंग जिसकी कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है, अग्नाशय के कारण, ठीक है, अग्नाशय के खराब होने के कारण। मधुमेह के रोगी रोगी को रक्त शर्करा का स्तर
सामान बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं। मेथी के बीज, किसके? मेथी के बीज। वेटिस अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। वह रोग जिसके इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है, मधुमेह। किसके लिए? मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था किसने? एफ जी बेंटिंग ने। ठीक है, सीयू टी का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव है रक्त स्राव। क्या है? रक्त स्राव। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा। थ्रैका, वाहिका के आंतरिक द्वारा द्वार का संकीर्ण हो जाना। तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति, हृदय धमनियों में रक्त के धक्कों का पहुंचना। हृदयघात में उपयुक्त का सही क्रम है, पहले आप देखेंगे तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, फिर आप देखेंगे दो के बाद चार, हृदय धमनियों में रक्त के धक्कों का पहुंचना, फिर आप देखेंगे एक, वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, फिर आपका तीन, रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति, इसके कारण आप देखेंगे हार्ट अटैक आ जाता है। एस्पिरिन के संबंध में शब्द कथन है, यह न्यूरोलॉजिकली यानी कि तंत्रिकीय रूप में सक्रिय दवा है, यह दर्द से राहत में प्रभावी है और यह खून में धक्के नहीं जमने देता है। ठीक है, अगला हमारे सामने क्वेश्चंस, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है कौन सी? छाती के अंदर से मेमरी धमनी, या फिर हाथ से रेडियल धमनी, या फिर पैर से सैपनस वेन लिया जाता है। इसमें कोरोना धमनी बाईपास सर्जरी में आप देखते हैं या तो छाती के अंदर जो मेमरी धमनी होती है उसका प्रयोग करते हैं, या हाथ से जो रेडियल धमनी है, या पैर से सैपनस वेन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अस्पताल में कैथ लैब होती है, अस्पताल में कैथ लैब होती है, कार्डियोलॉजी विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में। भारत में आज रोग निवारक कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है जीरो पैथेलीमिया। ठीक है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त जन द्वारा सामान्यतः प्रभावित होता है, यकृत, लीवर। वर्ड फ्लू विषाणु है, वर्ड फ्लू वायरस है, H5N1, H5N1 वर्ड फ्लू का कारक है, H5N1। विश्वमारी यानी कि विश्व बीमारी H5N1 फ्लुएंजा को कहते हैं, वर्ड फ्लू। ठीक है, H1N1 विषाणु का परा समाचारों में जिस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है वह है स्वाइन फ्लू। क्या है? स्वाइन फ्लू। मैं बता रहा हूं ना कि क्वेश्चंस पता नहीं किस तरह के पूछ ले, एक कहना मतलब एक तरह से मैं इसीलिए कहता हूं कि एक अगर आप लाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लोग अपने दिमाग में एक तरह से सोच लिया करेगा कि इससे क्वेश्चंस इस तरह के इतने प्रकार के बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 10th 12th वाला समय खत्म हो गया कि एक आपने बुक्स उठाई उसमें पढ़ा आपने उसी तरह का बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाता था और आप छाप के चले जाते थे। ठीक है, सम्मिलित कीजिए एबोला वायरस, एबोला रक्तस्रावी बुखार, जीव सांख्यिकी पहचान, उंगली छापन तथा आयरिस स्कैन, क्लोनिंग अनुवांशिकी प्रतिकृति, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, पैतृक या अपराधी की पहचान करने के लिए इनका उपयोग होता है इसका। ठीक है, एबोला एक है प्राणघातक विषाणु है एबोला। एबोला वायरस का नाम लिया गया एक नदी के नाम से, किसके? एक नदी के नाम से। सही सम्मिलित है आपके, बस आपको देखना है गेहूं में गेहूसा, आलू में पिछैती झुलसा, बाजरा में अरगठ, जौ में बुकनी रोग, ये सभी रोग हैं, ये आपकी फसलें हैं। आप लोग देखते हैं ना फसलें, आप लोग किसान परिवार से आते हैं हम सभी लोग, और आप जानते हैं हमारी एक तरह से अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, समझ रहे हैं? जो हमारे शरीर के लिए रीढ़ का काम है वही अर्थव्यवस्था के लिए हमारे यहाँ के किसानों का है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ के किसानों की स्थिति खराब है। सही सम्मिलित कीजिए ये फसल है और बीमारी रोग, बाजरा, हरिद्वाल, मटर, बुकनी, पाउडरी पाउडरी मिल्ड्यू, चना,
बिल्ट मक्का में सफेद कली होती है जिंक तत्व की कमी के कारण। जिंक तत्व की कमी के कारण मक्का में सफेद कली होती है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है जिंक की कमी का। सहज प्रणाली का परिवर्धन होता है, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। पायरेला कीट है गन्ना का, किसका? गन्ना का। सफेद किट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का, किसका? सरसों का। ठीक है, आगे है आपका। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं। गेहूं जो आपकी फसल है, इस पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं ताला किट और स्मट। ठीक है, करनाल करनाल बंट रोग गेहूं फसल का है, किसका? गेहूं फसल का। धान का टोंगरो बीजाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के पुदके द्वारा। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। आपसे पूछ लेगा कि ब्लैक हार्ट किससे संबंधित है, तो आलू की से। ठीक है, किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण ये होता है। भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है सफेद मक्खी से, येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है, किसकी? भिंडी की। कलाए खंज होता है खेसरी दाल की अधिक मात्रा में खाने से। औषधि वितरण में काम आने वाला वाले खाली संपुट बने होते हैं मांडी के, किसके? मांडी के। आप चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, एक तरह से क्वेश्चंस ही हैं आपके, आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, फिर जो भी आपको कहना हो, प्रमुख तथ्य कह लीजिए या फैक्ट कह लीजिए या क्वेश्चन आंसर कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। डीएनए की वह विशिष्टता जिसमें जिसने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक सूचना संग्रह करने और पेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है दो रज्जुकों की पूरकता के कारण। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्टिड और प्लास्मिड और माइटोकाइंडिया तथा राइबोसोम में से प्रयोग होता है प्लास्मिड। क्या होता है? प्लास्मिड। ठीक है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण होता है जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से और क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से शफलिंग से। ठीक है, पुनर्योजन पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी अनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। ये आपके तीनों कथन है, सत्य कथन पूछ रहा है, इसमें एक दो तीन तीनों कथन आपके सही है। अगला है कार्य कायिक प्रवर्धन किलो किलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिक विवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। कायिक विवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में जल चल सकता है। उपयुक्त में से वह कथन जो पौधों के कायिक विवर्धन के संबंध में सही है, तो इसमें एक भी आपका सही है और तीन आपका सही है, एक तीन सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, फिर आपका विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग है। नवीन परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास प्राकृतिक संकटों को कम करने और उनसे निपटने हेतु पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास, बौद्धिक संपत्ति का प्रबंधन, नई विज्ञान नीति 2003 के उद्देश्य के संबंध में उपयुक्त कथनों में से सही है। तो आप चारों सही है, इसमें क्या है, आपकी सभी चारों कथन एक तरह से 2000 की जो 3 की नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति है इसके उद्देश्यों से संबंधित है। ठीक है, कथन कथन ए, डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी। कारण, आर डॉली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी। ये आपका गलत है। क्या है? कारण गलत है और कथन क्या है? सही है। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। ए भेड़ थी डॉली। ठीक है, फिर आप कोई लड़की समझने लगे। डॉली एक भेड़ थी जो क्लोनिंग के द्वारा बनाई गई थी। फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ, बिल्कुल सही है। डॉली वर्ष 1996 में पैदा हुई थी, बिल्कुल सही है। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। एक वयस्क देही कोशिका की से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में उपयुक्त में से सभी कथन आपके बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। ठीक,
मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियंतिक पिथम जीवित जीव है डॉली। याद रखिए क्लोनिंग का सीधा सा मतलब होता है एक पिति बना देना, फोटी कॉपी की तरह आप देखिए, ठीक है, उसे भी क्लोनिंग कह सकते हैं। जैसे आपका बिल्कुल आपकी ही शक्ल का एक दूसरा व्यक्ति बना देना, समझ रहे। लेकिन मनुष्य पर इस तरह की प्रयोगशाला है रोक है, ठीक है, प्रयोग करना। भेड़, उलक, खरगोश और हिरन में से पहला सफल क्लोन जंतु था भेड़, क्या था, डॉली भेड़, ठीक है। एनडीआरआई कर्नल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने जिस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया हुआ है, भैंस, कौन है, भैंस, गरिमा सेकंड नाम है एक क्लोन, क्लोन्ड भैंस का, यानी कि क्लोनिंग की गई भैंस का। फरकनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, उसके बाद आप देखेंगे माता के गर्भाशय में उसे पहुंचा दिया जाता है। तो निषेचन शुक्राणु का बाहरी होता है, ठीक है। वह देश जिसमें पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है, ये ताइवान है, ताइवान। इंजॉर्ज नाम है जिसके प्रथमता क्लोन ऊंट का, ठीक है, इंजॉर्ज। जीव के क्लोन के संबंध में सही कथन है, क्लोन आलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। अनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार करना है आपको, रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग, मानव क्लोनिंग। उपयुक्त में से जो कुछ सफलता के साथ परिलक्षित किए गए हैं, तो 1, 2, 3 इसमें सही है, आपका चौथा गलत है, क्योंकि आपको बताया था कि मानव क्लोनिंग रोग है बिल्कुल। वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्ष स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रम को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान और अज्ञान हमारे लिए निम्न प्रकार से उपयोगी है, क्या है, उपयुक्त कथनों में से सही कथन चुनना है, तो उसकी मदद से इस पशु की वंशावली जानी जा सकती है, बिल्कुल सही है। उनकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं, गलत है। उसकी मदद से पशुओं को की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं, 1 और इसमें 3 आपका बिल्कुल सही है, 1, 3 कैसा है, बिल्कुल सही है। फिर आपका पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं, अनुवांशिक पदार्थ की पहचान, पृथक्करण, डीएनए का विखंडन, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, प्रवाहिक प्रक्रिया, डीएनए खंड को वाहक से जोड़ना, इच्छित डीएनए खंड का पृथक्करण, रुचि वाले जीन का परिवर्तन, पुनर्योजन डीएनए कपोसी कोशिका जीव में स्थानांतरण चरणों का सही अनुक्रम। तो इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे अनुवांशिक पदार्थों की पहचान एवं पृथक्करण, उसके बाद आप देखेंगे बी डीएनए का विखंडन, उसके बाद आप देखेंगे एफ इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, उसके बाद आप देखेंगे जी रुचि वाले जीन जीन का परिवर्तन, जी के बाद आप ई डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना, उसके बाद आप देखेंगे एच पुनर्योजन डीएनए का पोषी कोशिका जीव में स्थानांतरण, उसके बाद आप देखेंगे सी बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, उसके बाद आप देखेंगे डी प्रवाहित प्रक्रिया, ठीक है। इस तरह से आप देखते रहिए। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों उनके अनुक्रम की पहचान और मानचित्रण से संबंधित। शरीर की वेब कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का बिंदु केंद्र बिंदु भी है, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेम सेल, ठीक है, याद रखिए। स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में ही प्राप्त की जा सकती हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, बिल्कुल सही है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आपने देखा है 2 और 3 सही है, 1 इसमें गलत है, ठीक है। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में स्टेम कोशिकाओं का बायोएथिनल अविवादास्पद स्रोत है, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, ठीक है। फिर आपका हाइब्रिड वेडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है, एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए।
बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक संकटपन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा ये, ठीक है। और जैविक विभिन्नता की दस्युता प्राइवेसी को रोकेगा और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान भी करेगा। कपास के कीट रोधी पौधे अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है जीवाणु से। किससे? जीवाणु से। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मॉन्सांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है, जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। जिस जीवाणु के आवेश जीन का इस पार जीनी कपास में अंतरण हुआ है, वह है यह बेसिलस थोरिन थोरिन जीएनसिस, ठीक है। तो इसे याद रखिए। अगला है, चलते हैं। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, वह है जीवाणु। क्या है? जीवाणु, बीटी कपास। कथन ए, कीट प्रतिरोधी पार जीनी कपास बीटी जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। कारण है आर, बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया गया है। ए भी आपका बिल्कुल सही है, ए भी दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। बैगन की अनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म है बीटी बैगन विकसित की गई। इसका लक्ष्य क्या है? इसे नाशक जीव सह बनाना है। याद रखिए, एक समय में आप ऐसा, अगर इस तरह की अच्छे से एक तरह से आपके ये खोज हो चुकी होगी, तो एक समय आप देखेंगे कि सूखे, जो सूखे क्षेत्र हैं वहां भी फसल उगाने, एक तरह से उगाने का काम होने लगेगा। समझ रहे हैं? बीटी बैगन, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन। बीटी बैगन की संरचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई। बीटी बैगन के बीज टर्मिनेटर बीज है, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। उपयुक्त में से भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध का कारण है, तो इसमें 3 और 4 है। एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इस कारण विरोध किया जा रहा है। दूसरा इसलिए कारण किया जा रहा है, चौथा कथन है आपका, यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव देखने को हमें मिलेगा। फिर आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको उपयुक्त कथनों में से सही कथन चुनना है। सर्वप्रथम व्यावसायिकीकरण की किए जाने वाले अनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। ये बिल्कुल सही है। फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रखे रहते हैं और एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ये भी दोनों आपका सही है। फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है, किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सरणी का अभाव होता है। तो इसमें आपका सी गलत है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित तकनीकों परिघटनाओं पर विचार करना है। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण है, कोशिका द्रव्य नरबंधता जीन निर्भरता। उपयुक्त में से वह है बे जो ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है। कोशिका द्रव्य नरबंधता और जीव निर्भरता, यानी कि 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। फिर आपका जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है। जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप। उसमें जीव प्रकारों में से वह जिनकी कुल कुछ जातियों को जैव पीड़क नाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसमें तीनों हैं आपके, ठीक है। भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है अंकुरण अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की संभावना होती है, इसलिए इसका विरोध करते हैं। विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीक उपलब्ध कराती है। जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्म को, जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है। टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न जिसकी बिकवारी के लिए है, वह है ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तित पौधे अर्थात तथा
जेनेटिक रूप से अभियांत्रिक बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंद ग्रस्त होते हैं। एक बात और आपको बताऊं, पता है आप लोगों को कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी देखी जाती है कि हमारे यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी सरकारें उनका साथ नहीं देती हैं। और अमेरिका के किसानों को देखिए आप लोग, वहाँ किसान भी परिवार होगा तो वो भी VIP जिंदगी जी रहा होगा, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि बहुत मदद करती है वहाँ की सरकारें, समझ रहे हैं आप। तो देखिए हमारे यहाँ की सरकारें, मुझे नहीं लगता है कि किसी, देखिए एक दो आदमी, दो चार आदमी का अगर भला हो जाने से आप नहीं कह सकते कि किसान, हर किसान का भला हो चुका है। अभी आप आधे से, मुझे लगता है आधे से नहीं, दो तिहाई किसानों को देखेंगे आप लोग की मिट्टी की कोई जांच नहीं होती है सरकार की तरफ से। आप देखिए कोई बीज उत्पन्न नहीं मिलता है उन्हें, समझ रहे हैं आप, वो पुराना ही बीज यूज करते रहते हैं, इसलिए आप देखते हैं उत्पादन भी कम होता है, मिट्टी में मालूम ही नहीं चलता है कि इसमें किसकी कमी है, कौन से खनिज की कमी है, समझ रहे हैं। वो ऐसे ही बो देते हैं, वो हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। अगर आप सोचिए बेहतर प्रक्रिया से अगर इस तरह की खेती की जाए तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। अभी आप देखते हैं कि कोई जांच पड़ताल ना होने के बावजूद भी अगर खेती की जा रही है उसमें भी हम लोग बहुत कुछ योगदान है हमारा, ठीक है। साधारणतः ओरोबैकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में, किससे, तंबाकू के खेत में। बक वीट, मैकेरोनी वीट, गोल्डन राइस, ट्रेटिकल में से परजीनी पादप है। गोल्डन राइस, कथन ए, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। कारण आर, इस चावल की पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है, ये जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। ये दोनों आपके सही हैं और जो आर है एक का सही कारण भी है, ठीक है। सुनहरी गोल्डन चावल, एक त्रासजनक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध आपके हैं, ठीक है। विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाला विटामिन ए, हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता और उसके दानों में जिसकी प्रचुरता के कारण होता है, यह है बीटा कैरोटीन। क्या है, बीटा कैरोटीन। सुनहरा धान में प्रचुरता होती है विटामिन ए की, इसलिए आप देखते हैं कि चावल को जब एक तरह से परिष्कृत, यानी कि उसे बेहतर, आप सोचिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप धान से देसी तरीके से गांव में आप अगर सोचिए कि धान को, धान से चावल निकालते हैं तो आप सोचिए उसमें बेहतर प्रोटीन भी, बेहतर विटामिन दे था जाता है ए, और जब मशीनों से निकलता है तो उसमें से विटामिन काफी हद तक ए खत्म हो जाता है, ठीक है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। पराजिनी फसल स्वर्ण चावल, जिस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई वह है विटामिन ए के लिए। महाधान सुपर राइच विकसित किया गया है जी एस खुसने, इस नाम को भी याद रख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए, मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है, ये आपका बिल्कुल गलत है। स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, ये बिल्कुल सही है। एक बात आप लोगों को बता दूं कि आप भी अभी देखते हैं भारत में अगर किसी महिला के पुत्र, यानी कि उसकी लड़की ही लड़की हो रही है, यानी कि पुत्री प्राप्त हो रही है, तो आप देखते हैं कि समाज उन्हें इसे जिम्मेदार ठहरा देता है, उस पर अत्याचार करने लगता है। लेकिन मैं खुलकर बता रहा हूं आपको कि इसके लिए जिम्मेदार पुरुष होता है। अगर उसकी बेटियां पैदा हो रही हैं तो महिला में, उसमें कहिए महिला का कोई योगदान नहीं है कि आप महिला पर चिल्लाएं कि आपके कारण हो रही है, पुरुषों के कारण हो रही है, समझ रहे हैं। लेकिन भेदभाव किया जाता है अभी भी भारत में अधिकतर, देखते हैं आप लोग। पुरुष जीन संगठन होता है XY, आप सोचिए XX दो गुणसूत्र, एक तरह से आपके स्त्री में तो XX गुणसूत्र पाए जाते हैं लेकिन पुरुष में XY, तो XX मिलकर आप सोचिए लड़की का जन्म हो रहा है, XY मिल रहा है तो लड़के का जन्म हो रहा है, तो आप समझिए कि महिला तो एक तरह से उसका तो योगदान एक्स गुणसूत्र का है ही, आप का क्या है आप पर निर्भर करता है, तब जाके या तो लड़की या लड़का पैदा होगा, ठीक है। मनुष्य में जिन क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है वह है पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। एमनियोसेंटिसिस एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण के लिंग को। कथन ए, वैज्ञानिक DNA अणुओं को, चाहे वे अणुओं के हो कि किसी भी स्रोत से हो, इच्छा अनुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। कारण का है आर,
डीएनए के टुकड़ों को री एक्सट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाई गेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। ए भी दोनों ए और आर दोनों सही है आपके, और आर ए का सही कारण भी है। ठीक है, जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रम गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसकेप्टोन केप्टोन निर्देशित करता है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को। आरएनए दिया गया है, रोधी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु, लार, सलाइवा। अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं, ये चारों हो सकते हैं आपके, एक दो तीन चारों हो सकते हैं, एक दो तीन चार चारों हो सकते हैं। जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया है डॉक्टर जेम्स वॉटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, जेम्स डी वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध है डीएनए की संरचना से, डीएनए की संरचना से, डीएनए के दुई हेलिक्स पैरों को पहली बार प्रस्तावित किया वॉटसन तथा क्रिक ने, किसने? वॉटसन तथा क्रिक ने। ठीक है, डीएनए को अंतापात में बनाया आर्थर कॉन बर्ग ने। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी बॉस वॉटसन को जिस कार्य क्षेत्र में उनके कार्य के लिए जाना जाता है वह है अनुवांशिक के लिए, अनुवांशिकी के लिए। ठीक है, बायोचिप में होता है, बायोचिप में क्या होता है? आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है और आपका प्रोटीन भी होता है बायोचिप में। जेनिको प्रौद्योगिकी है, अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है ये। ठीक है, फिर आपका जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है औद्योगिक क्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग। जैव आवर्धन से तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़क नाशियों की मात्रा का बढ़ना। जीन अभियंत्रण में नवीन तकनीकी विकसित हुई है, जीन पिति चित्रण, जीन पिति चित्रण। सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और विकास संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त उपयुक्त में से भी संभावना है जिनके लिए अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया जा रहा है। तो इसमें एक दो चार आप देखेंगे, सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषणीय मान बढ़ाना, और चौथा है उसमें उनके उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। एक दो चार इसमें आपकी सही है। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा चूहा पैदा किया जाता है जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीक को क्या कहेंगे? अनुवांशिक की अनुवांशिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अबे आपका कथन ए, बलात्कार एवं हमले के मामले में अपराधियों की पृथक्कता एवं पहचान स्थापित करने में फिंगरप्रिंट एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। बिल्कुल सही है, डीएनए विश्लेषण के लिए बाल लार शुष्क वीर जैसे लैस साक्ष्य पर्याप्त होते हैं। वे ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण भी है। ठीक है, शिशु का पित्त स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, पित्तकता सिद्ध करने के लिए सहायक है डीएनए की अंगुली छाप। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित जिस अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है वह है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आजकल आप लोग इसका नाम भी सुनते रहते हैं काफी, डीएनए हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्ट, समझ गए? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध हल किया गया था। तो ये 1983 की बात है, कब? 1983, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ ऐसे, समझ रहे हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग होता है न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिकों वैज्ञानिक परीक्षण में, पैतृक विवाद में और संकटपन्न प्राणियों के रक्षण में। ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग इन सभी में होता है। कथन ए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पित्त स्थापन और बलात्कार वादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। कथन यानी कि कारण बी,
माफ करिएगा, इतना या मिसप्रिंट हो जाता है, लेकिन इतना आप लोग मुझे लगता है समझदार हैं, और इतना आप लोग बचकानी हरकतें मत किया करिएगा। इस तरह की अगर मिसप्रिंट हो जाती है तो आप लोग बेहतर है कि जान लिया करिएगा उसे, ठीक है। डीएनए परिरक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त और वी के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। कथन ए और कारण दोनों सत्य हैं। कारण आर कथन ए का स्पष्टीकरण भी करता है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बच्चे लिखने लगते हैं कि यहाँ ए भी आपने गलत बता दिया सर। तो याद रखिए, इससे इतना तो मुझे लगता है एडजस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपके सामने स्क्रीन पर अगर कुछ बोल देता हूँ धोखे से, अगर फिर भी मैं निकल जाता हूँ उसे ना बताते हुए, गलत बताते हुए, तो आप उसे सुधार के नीचे लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि बोलने में गलती हो जाती है, मैं भी मानता हूं इस बात को, समझ रहे हैं? फिर आपकी परितारिका क्रम बीक्षण, दृष्टिपटल क्रम बीक्षण, वाक अभिज्ञान, किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रम बीक्षण के अलावा उपयुक्त में से कौन से प्रयोग में ला जा सकता है या लाए जा सकते हैं? तो आप तीनों को देखेंगे, एक दो तीन, तीनों को देखेंगे। अंगुलियों के निशाने की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु प्रयोग होता है फ्लोरोसेंट पाउडर, फ्लोरोसेंट पाउडर। अपर रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या फिर लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं इससे, ठीक है। ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जा सकता है। किलोनी के जंतुओं का उत्पादन, सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है उत्परिवर्तन। क्या आंसर? उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। क्या? उत्परिवर्तन। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तत्व कहलाता है क्या? बहुप्रभाविता। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है इसमें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं विविध को। मायोग्लोबिन में होता है, क्या होता है? लोहा। और हीमोग्लोबिन में भी आपका लोहा ही आपको देखने को मिलता है। डिंगो एलेक्सियन, एलेंसियन और डालमेसियन और लेब्राडोर स्वान उपजातियों में से भौंकने में असमर्थ है ये डेंगू। क्या है? डेंगू। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है एड्स हेतु जागरूकता का। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदय के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है जो कार्य करता है, जो कार्य क्या करता है? प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन सिद्धांत। ठीक है, और आगे है, मानव शरीर के आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकल्पित टोमोग्राफी के लिए प्रयोग लाई जाती है एक्स किरणें। कौन सी? एक्स किरणें। भारत में मिशन इंद्रधनुष, भारत में जो मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से, बच्चों के टीकाकरण से। केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष संबंधित है आपका 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण से संबंधित आपका मिशन इंद्रधनुष है, ठीक है। और इंद्रधनुष मिशन याद रखिए बैंकों से संबंधित है, तो याद रखिए मिशन इंद्रधनुष आपका रोगों यानी कि बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। फिर आपका कोलेस्ट्रॉल है, जंतु वसा में उपस्थिति वसीय अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल है एक एस्टेराइड। क्या है? स्टेराइड। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों के कठोर हो जाने से। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए। क्यों देते हैं ऐसी सलाह? कहते हैं तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, इसलिए। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है। क्यों? क्योंकि यह स्तर कम करता है एचडीएल का। किसका? एचडीएल का। वह वनस्पति तेल जो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है सूरजमुखी तेल, सूरजमुखी तेल।
जुलाई 2004 में एचआईवी एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया गया था, कहाँ? बैंकॉक में। बैंकॉक में प्रति वर्ष आप देखते हैं 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब विचार कीजिए इन पर, और आपको बताना है कि वह सही क्रम जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, क्रम से बता देना है आपको। तो इसमें आप सबसे पहले कुष्ठ निवारण दिवस, फिर आप देखेंगे विश्व तपेदिक दिवस, फिर आप देखेंगे अल्जाइमर भी कहते हैं इसे, अल्जाइमर रोग या अल्जाइमर रोग, फिर आपका विश्व एड्स दिवस, यानी कि 3 2 1 4, ठीक है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किए जाते हैं कीटों द्वारा, किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया से, ठीक है, एक ऐसा पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली वृद्धि में दिया जाता है। आयोडीन आप जानते हैं कि जो खारा जल होता है उसके द्वारा आप जानते हैं नमक बनाया जाता है, नमक सत्याग्रह आप सुनते होंगे गांधी जी ने किया था, ठीक है। लेटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से, लाइकेन से। सूची एक और सूची दो, एसिटिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दूध में देखने को मिलेगी, ब्यूटेरिक अम्ल ये आपको मक्खन में देखने को मिलेगा, साइटिक अम्ल नींबू में देखने को मिलेगा, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, फार्मिक अम्ल लाल चींटी में, और टार्टरिक अम्ल ये अंगूर का रस में देखने को मिलेगा, अंगूर के रस में, ठीक है। सूची एक और सूची दो को सुन लेते हैं, यहां भी देख लेते हैं। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट है और फलों का पकना एथिलीन के कारण, ठीक है। सूची एक सूची दो, त्वचा कैंसर पराबैंगनी विकास के कारण, ध्वनि प्रदूषण डेसीबल से मापते हैं, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ओजोन छिद क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण होता है, ये भी आपके सही सम्मिलन है। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में सहायक होता है, दूध से दही में बदल देता है। राई राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ईस्ट एल्कोहल उत्पादन में, एस्परजिलस एसिटिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग होता है, बैसिलस बैसिलस थोरिंजियन जियरेंसिस का उपयोग होता है जैविक कीटनाशक के रूप में, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है यह सैकेरो सैकेरोमाइसीज, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है, सैकेरो सैकेरोमाइसीज सेरेबीसी, ठीक है। यह सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के एल्कोहल एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, ईस्ट, कौन सा? ईस्ट शराब बनाने के लिए। कथन ए, शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कारण आर, अपतृणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं, तो इसमें ए और आर दोनों सही है आपके, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करना है और सही कथन आपको चुनना है। कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के पिचरोद्वन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ये सही है। आपसे कहा जाता है कि आप नीम की दातुन भी करिए, मंजन एक तरह से, समझ गए, फायदेमंद होता है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में भी होता है, ये भी सही है। नीम के तेल का अनुपयोग औषधि उद्योग में भी होता है, तो इसमें आपके तीनों कथन सही है, ठीक है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है हार्बेरियम, हार्बेरियम, ठीक है। आगे है आपका मूंगा, मूंगा पन्ना माणिक और पुखराज में से जैविक मूल का है मूंगा, ठीक है। गैवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है गंगा नदी में, ठीक है, ये सही सम लेते हैं आपके, इनसे आपके क्वेश्चंस कई बार मैंने देखा है कि पूछे जा चुके हैं। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? खाद्य दिवस, ठीक है, सही सम्मिलन ये भी है। विश्व तपेदिक दिवस टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च। कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाते हैं? 31 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। एक क्वेश्चन से बहुत बार पूछा जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत के बारे में, दिवस के बारे में, ठीक है, 16 सितंबर।
विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर, विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर, ठीक है। डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है 14 नवंबर। डायबिटीज दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर। अरहर, मटर, चना और करेज फलीदार पौधों में से पेट्रो पादप भी है। करेज कौन है? करेज वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोकॉप्स के रूप में जाना जाता है, वैधनी होते हैं हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड में। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है कहाँ? आंध्र प्रदेश में लगा। बायोडीजल बनाने में उपयोग किया जाता है रतन जोत का। किसका? रतन जोत का। गुग्गल, रोसा घास, रतन जोत और जावा घास में से बायोडीजल पौधा है रतन जोत का। बायोडीजल पौधा कहलाता है जेट्रोफा, ठीक है। पर आपका यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कथन ए है, क्या है कथन ए? कस्कुटा अमरबेल परजीवी अमृत अभ्रजीवी बीजी का एक उदाहरण है। सही है ये। या पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, ये गलत है। इसमें ए सही है बिल्कुल। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। किससे? गन्ना से, गन्ना की खुई से। चिल गोजा प्राप्त होता है पाइन प्रजाति के बीज से, पाइन प्रजाति के बीज से। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे हम लोग यूरोकॉम कहते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोकॉम। फरनहतित हरित क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। ये भी आपके सम्मिलित हैं, आपको बस पढ़ना है। पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है, कोयल। कोयल पक्षी अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है, छिपकली। आप देखते हैं कि हाथ लगाते हैं और छिपकली आपकी पूंछ छोड़ देती है। सबसे विशाल जीव नीली हेल बैल। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी। समझ रहे हैं? ये भी सम्मिलित है, आपको देखना है। एशियाई जंगली गधा एक्कस हेमियोनस, बारहसिंगा, रूस रूसर वर्स, दुआ उसीली, चिंकारा, गजेला बेनेटरी, नीलगाय, बोसलाफस ट्रैग्रो कैमिलस, ठीक है। भारत के निम्नलिखित प्राणियों पर विचार करना है। मगरमच्छ, हाथी, इनमें से संकटपूर्ण जातियां शामिल है केवल एक यानी कि मगरमच्छ। सुमिलित हैं जीन संबंधन एवं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी अनुवांशिक ये अभियंत्रण से संबंधित है। गर्भस्थ शिशु में अनुवांशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण एमनियोसेंटेसिस, ये भी सही है। एक विक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं, जैव निम्नीकरण। मानव तंत्र में पिति ऑक्सी कारक का कार्य है, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, ठीक है। अब आपका ये भी सही सम्मिलित है, आपको देखना है। सूची एक और सूची दो को एक तरह से सम्मिलित करना है, मिलाना है। ईईजी ये आपका मस्तिष्क से संबंधित है। ईसीजी ये आपका हृदय से संबंधित है। ईओजी ये आपका आपको देखने को मिलेगा आंख से संबंधित है। ईएमजी ये आपका मांसपेशी। ऑडियोग्राम ये कान। मेमोग्राम ये वॉच, ठीक है। फिर आपका हृदय, फुफ्फुस और मस्तिष्क तथा बेक यानी कि किडनी में से किस जिसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी का किया जाता है, वह कौन सी? इसमें मस्तिष्क, माइंड। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है एंडोस्कोप द्वारा, एंडोस्कोप को द्वारा, ठीक है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है उसे पक्षाघात हो चुका है दोनों हाथों और दोनों पैरों का, ठीक है। प्राणियों में आहार शोषण संश्लेषण तीन प्रमुख गुण हैं उपापचय के, ठीक है। ये तीनों गुण किसके हैं? उपापचय के। कृत्रिम रेशा का अन्य एक नाम है रियोन भी कहते हैं इसे, ठीक है। रेशम तंतु रोम पिच और नख नखर निर्मित होते हैं क्रेटिन से। कपास, क्वायर, सनई और सैमल में से तने से प्राप्त होता है, सनई आपको देखने को मिलेगा। मछली, कबूतर, मेंढक और तिलचट्टा में से वह जीव जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, मेंढक को देखने को।
मेंढक है कोल्ड ब्लड एनिमल, मेंढक के कायांतरण में है, आंत छोटी हो जाती है इसमें, ठीक है। हाइड्रा तिलचट्टा केंचुआ, मछली में से वह जीव जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं, हाइड्रा में, ठीक है। पर एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं हम लोग उप परजीविता, क्या कहते हैं, उप परजीविता। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है यह है माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। एक सांड के वीर को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में। डोरसेट होल्स्टाइन और साहीवाल रेड सिंधी में से गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है यह होल्स्टाइन, ये सबसे ज्यादा दूध देती है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? गाय की देसी नस्लों की रक्षा करना, गाय की देसी नस्लों की रक्षा करना। किलोनल वरण का प्रयोग किया जाता है आलू में, किसमें, आलू में। वह जीवित ऊतक जो उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है फ्लोएम। आग की सुग्राहकता सबसे अधिक होती है पीला या हरा के लिए। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा का चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का, विशेष प्रकार के कैंसर का। दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है नतोदर शीशा। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण, किसका, अवतल दर्पण का। कई बार पूछ लेता है कि डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है, अवतल का। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है अवतल। बंदर, मगर, मछली, मैड जंतुओं में से तीन प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है मेंढक में। आप देखेंगे मगरमच्छ में आपका देखेंगे चार प्रकोष्ठ होते हैं, हमारे में भी हृदय में चार खाने होते हैं एक तरह से। ऊंट, जिराफ, चूहा, मछली में से पित्ताशय नहीं होता है, चूहा में नहीं होता है, किसमें, चूहा में नहीं होता है। ये भी आपका सही सम्मिलन है इनका, बस आपको देखना है। मायोग्लोबिन, पेशी कोशिका, सर्पगंधा, प्रासांतक, कर्कट रोग, विकिरण चिकित्सा, रुधिर वर्णिका, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन परिवहन यानी कि ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है ना, सही है, सही सम्मिलन ये भी है। क्षुधा, धातिशय, भक्षण विकार, कोलेस्ट्रॉल, अंड पीतक, एट्रोपिन, एल्केलाइड, इंसुलिन, अग्नाशय से संबंधित है, ठीक है। सूक्ष्म जीवन द्वारा उत्पन्न किया गया नैनो कण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया जिसकी उपयोगिता युक्त लघु रूपण में है। वह सूक्ष्म जीव कौन सा है? यह है ईस्ट। क्या है? ईस्ट, ईस्ट, ठीक है। वह जंतु जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की है, कुत्ता ने, किसने, कुत्ता ने। निषेचक, निषेचक चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है क्लोरोफार्म तथा नाइट्रस ऑक्साइड। अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। सूची एक विशेषज्ञ है और शरीर का भाग है, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से संबंधित, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा से संबंधित, यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका, ऑकुलिस्ट आंख। जब भी आप किसी हॉस्पिटल की साइट खोलते होंगे तो आपको ये चुनने के लिए आता है कि आपको किस विशेषज्ञ को दिखाना है, कार्डियोलॉजी यानी कि आपको हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आपका आइडियोलॉजी कार्डियोलॉजी के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। चिकित्सा की शाखा है और मानव अंग न्यूरोलॉजी या आपका की तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित। मानव वृद्धि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एरिथ्रोपोएटिन और कोलोस्ट्रम में से वह जिस पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो यह कोलोस्ट्रम, इसका एक तरह से प्रतिबंध नहीं है, इन्हें उपयोग कर सकते हैं। सम्मिलित है कोशिका का नियंत्रण केंद्रक, प्राकृतिक रबर पॉली आइसोपीन, क्रायोलाइट,
एल्यूमिनियम का एस अनुमापन, फिनोल फिथिलीन, ठीक है, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ प्राप्त होता है, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ होता है प्राप्त कहां से, नीम से, नीम से, ठीक है। सूची एक और सूची दो, पौधा और उपयोग। ब्रह्मी मस्तिष्क का टॉनिक, सदाबहार मधुमेह दूर करने वाला, पौदीना वाथर तुलसी कपोत्सारक, ठीक है। अंगूरा ऊन प्राप्त की जाती है सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से, आप जानते हैं कि ऊन तो बकरे मतलब आप भेड़ों से ही उत्पन्न की जाती है, बकरियों से। दीमक को यह भी कहते हैं, श्वेत चींटी भी कहते हैं दीमक को, दीमक लगना आप लोग देखते रहते हैं। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाला हाल में विकसित तकनीक है अल्ट्रासोनिक्स, क्या है अल्ट्रासोनिक्स, भ्रूण मिलता है बीज में, यह भी आपका सम्मिलित करना है। डॉक्टर कुरियन सहकारी आंदोलन से संबंधित है, डॉक्टर मालकम आदि शिष्या ये विकास अर्थशास्त्र से संबंधित है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद अंतरिक्ष विज्ञान, आपके पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर प्रमोद करण शेट्टी जयपुरी जयपुरी किंतिम पैर से संबंधित है, ठीक है। फिर आपका संकर रक्षा संस्था है, एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना है बेंगलोर में, ठीक है। नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है एड्स से, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये बरेली में देखने को मिलेगी, यूपी में। सीडीआरआई स्थित है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारतीय सर्वेक्षण विभाग अधीनस्थ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। इस तरह के क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते रहे हैं, ठीक है, इसलिए बोला। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में देखने को मिली, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में देखने को मिली, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ये हैदराबाद में देखने को मिलेगी, सेंट्रल और साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भावनगर देख मैंने मिलेगी, कहा भावनगर में। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में है, कहा भोपाल में, एमपी भोपाल में, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। लखनऊ के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थाओं में से एक ऐसा संस्थान जो CSIR का संस्थान नहीं है, यह बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो पेलियो को बॉटनी, ठीक है। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है हैदराबाद में, कहाँ है हैदराबाद में, देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी आपका ये सम्मिलित है आपके संस्थान हो गए, स्थान हो गए। सेंट्रल लिप्रोसिस इंस्टीट्यूट ये आपको आगरा में देखने को मिलेगा, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये इलाहाबाद में देखने को मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये आपको कहाँ कानपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये भी सही सम्मेलन है। केंद्रीय औषधीय सुरभि पादप संस्थान लखनऊ में, डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक्स केंद्र ये हैदराबाद में, सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, कहाँ नई दिल्ली में। डीएनए अंगुली छापन और निदानिक शोध केंद्र कहाँ है, ये हैदराबाद में देखने को मिलेगा। एफ एओ मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में, ठीक है। NBRI लखनऊ में देखने को मिलेगा, IISR लखनऊ, NPL नई दिल्ली, IISC बेंगलोर में। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। फिर सूची एक और सूची दो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, कोडीन ये बेहोशी की ड्रग है, क्रेचुक ये रबर का स्रोत पदार्थ है, यूजेनॉल इस लौंग का सुगंधित तेल होता है, ठीक है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है, चमगादड़ मधुमक्खी पक्षी उपयुक्त में से परागणकारी है, ये तीनों आपके परागणकारी है, आप समझिए एक तरह से ये भी हमारे लिए कीट भी बहुत जरूरी रहते हैं, समझ रहे हैं, ये परागण का काम करते हैं, समझ रहे हैं, एक तरह से निषेचन का काम करते हैं पौधों के लिए फूलों के लिए, ठीक है। सही सूची सही सम्मिलित है, सूची एक और सूची दो,
क्या है? एंथ्रेक्स, एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया, दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। सरोगेसी, गर्भ की किरायेदारी। ट्रांसजेनिक्स, जीनों में परिवर्तन करने वाला विज्ञान आपका होता है। ठीक है, फिर आपका ये भी आपके सही सम्मिलित हैं। एंटीफेज यौगिक, एथिलीन ग्लाइकोल। एंटी नॉक एजेंट, टेट्राएथिलेट। एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन। ज्वर रोधी, क्विनिन। ठीक है, पहला डायग्नोसिस खोला गया कहाँ? हैदराबाद में। बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान कारगत है एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, पितुरोध के लिए एक तरह से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा, जिसकी WHO की बात कर रहा था ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये आपका ये 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और आप जानते हैं कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया था कहाँ? कलकत्ता कोलकाता में, कलकत्ता कोलकाता महाराष्ट्र, सॉरी पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र बड़ा याद आ रहा है आजकल। प्रयाग, जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ। क्या होता है रीछ? सारक मछली में होती है 0 हड्डियां। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, तथ्य गलत है, क्योंकि आप देखते हैं कुत्ता भी कभी कभी, समझ रहे हैं, मांसाहारी बन जाता है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार संसार को एक कारी आणविक दृष्टिकोण दे गया। उसने विटामिन सी के चमत्कारी गुणों को पहले जो जुखाम के उपचार के लिए जुटाया, पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। ऊपर विज्ञान क्षेत्र के जिस महान व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, ये कौन थे? ये थे लाइनस कार्ल पॉलिंग। ठीक है, इनकी ये विशेषताएं हैं एक तरह से। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती है मधुमक्खी। मधुमक्खी वह जीव जिसमें वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मिथुनोपरांत नर को मार देता है, मकड़ी में। आप समझ रहे हैं कि फीमेल को, फीमेल मेल को मार देती है, समझ रहे हैं। मधुमक्खी की औसत गति सामान्य होती है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं नर्तन द्वारा। एल्कोहल मारी जुआना सिगरेट और अफीम में से उत्तेजक है सिगरेट। शराब अति उत्तम कच्चा माल है पावर एल्कोहल के लिए। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है कैफीन की। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है चाय और कॉफी दोनों में। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? आयोडीन का। इसके बारे में पहले भी हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की या फिर चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल नमी सोखती है। क्या करती है? नमी सोखती है। वह क्षेत्र जिसमें असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से, तो विज्ञान साइंस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कपूर, कासनी, चिकोरी, वनीला उपयुक्त उत्पादक उत्पाद हैं, तो ये तीनों हैं आपके। क्या हैं? तीनों हैं, एक दो तीन। नेत्रदान में दाता की आंख के जिस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है वह है कॉर्निया। ठीक है, नेत्रदान में जो दाता की आंख का कौन सा हिस्सा दिया जाता है? कॉर्निया। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस कई बार बन चुका है। हृदय का पहला पिति स्थापन किया गया था, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। ये थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। ये थे कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण, हुआ था आपका दक्षिण अफ्रीका में। गति प्रेरक का कार्य होता है यह हृदय स्पंदन को संबंधित करता है। पेसमेकर जाना जाता है, एस ए नोड्स नाम से भी जानते हैं इसे, पेसमेकर को। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए, समुद्री जल।
किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला बनाता है क्योंकि यह अंड प्रजक सर्प है, यानी कि अंडे देता है। जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों के बच्चे निकलने पर घोंसले की पहरेदारी भी करता है। वो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषी। वह सर्प जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं, नागराज, यानी कि अन्य सांपों का भक्षण करता है। वह सांप जो जहरीला नहीं है, अजगर। वैज्ञानिक इवान पावलोव अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के लिए वो याद रहते हैं। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत है पुरुषों की तुलना में अधिक देखने को मिलता है। मनुष्य आर्द्रता गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण बाष्पित नहीं होता है। पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है, लैक्टिक अम्ल के कारण थकान हो जाती है। वह क्रिया जो श्वेत पाशपन से संबंधित है, ऊष्मा शोषक क्रिया, ऊष्मा शोषक क्रिया। जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है, दीर्घकालीन परिवर्तन। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया। कौन सा? रेफलेसिया। सुमेलित करना है, पंखहीन कीट रजत, मिनाप उड़ान रहित पक्षी केवी, आपात सरीसृप सर्प, फुफ्फुसहीन प्राणी प्राणी यह मत्स्य। कीवी है उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ? न्यूजीलैंड में। सही सम्मिलित करना है। फल अंडाशय, बीज बीजांड, काष्ठ तना मंड पत्ती में। ठीक है, सम्मिलित है पिका संश्लेषण, हरित लवक, खनिज उद्धरण, ग्रहण, जीवदग्ध कला, श्वसन, सूतकणिका, प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम। वह जिसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, कौन थे? जेसी बोस, भारतीय, भारत के थे। ठीक है, एक बीज के अंकुरण के लिए वह तीन परिस्थितियों जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन। अगर एक बीज को उगना है तो ये तीनों परिस्थितियां जरूरी रहती हैं, पानी भी जरूरी, उचित तापमान भी और ऑक्सीजन भी। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है प्रकाश। सम्मिलित है सिलिकॉन कार्बाइड, किंतु हीरा कहते हैं, कार्बन तंतु वायुयान में उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण, डाइक्लोरो डाइक्लो फेलेरो मेथेन इसी तक, यानी कि आप देखते हैं कि जो आपके यहाँ एक तरह से वाटर कूलर होते हैं या फ्रिज देखते हैं उसमें उपयोग होता है। ये भी आपके सम्मिलित हैं, आपको याद रखना है। ऊन एक प्रोटीन है, रियान एक तंतु है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, फुलरीन एक कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, बीजों के विकिरण की सेंसर विधि पाई जाती है पोस्ते में। किसमें? पोस्ते में। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन है, धीमा हो जाता है। राती में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रात में छोड़ते हैं, आपको इसीलिए रोका जाता है कि पेड़ के नीचे रात में मत सोइए। ठीक है, ऊंट अपने कूबड़ का उपयोग करता है वसा के संग्रह के लिए। बकरी गाय हाथी सुअर में से वह जानवर जो रेशे को अच्छी तरह नहीं चबा सक पाता है, सुअर। कौन सा? सुअर। समझ रहे हैं? जीव अंता अंताक्षेपक होता है, वेदना रहित, सुईबीन, अंतरा छेपक। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है लाइकोपीन, लाइकोपीन, कैप्सिन, कैप्सिसिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन और लाइकोपीन में से वह किसके कारण, जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, यह लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है साइट्रिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, यानी कि कह सकते हैं कि टमाटर में आप लोग साइट्रिक अम्ल देखने को मिलेगा। जार्विक सेवन क्या है? किंतु हृदय है आपका जार्विक सेवन, आपसे आ जाएगा लिखने के लिए कि जार्विक क्या है सेवन, कई तरह के उदाहरण दे गए, तो याद रखिए किंतु हृदय है। रॉबर्ट वेस्टर जाने जाते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान के लिए। जोनास सॉल्क जाने जाते हैं पोलियो के टीके की खोज के लिए। जोनास सॉल्क, आप जानते हैं कि सॉल्ट टीका भी कहते हैं इसे। ये भी आपका सम्मिलित है। अर्बर और स्मिथ अंता आकेंद्रण का पता लगाया इन्होंने। फेल्डमैन एग्रोबैक्टीरियम युक्त पारजीनी पादपों का विकास और मुलिस पॉलीमरेज संकलित प्रतिक्रिया का पता लगाया इन्होंने। टेमिन और बाल्टीमोर रिवर्स ट्रांस ट्रांस कैप्टेस का पता लगाया था इन्होंने। ये भी सम्मिलित है आपके।
ज्वरनाशी, पैरासीटामोल, पिथीफेनकारक, पॉलीमाइडस सिलिकॉन्स, सेली सेलेट औषधि, एस्पिरिन, अस्थिर अस्थि क्षय रोधी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। ये भी आपका सम्मिलित है। फॉस, फ्रांसिस कॉलिंस, मानव जीनोम मानचित्रण, सर्जीवेन, गूगल खोज, सर्जन, जिमी वेल्स, विकिपीडिया। जीवाणुओं की खोज किसने की थी? जीवाणुओं की खोज आप जानते हैं कि लियू वैन हॉक ने की थी। ठीक है, सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं पोस्ता के बीज का। किसके? पोस्ता की बीज का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था मास्टर्ड मास्टर्ड गैस का उपयोग। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच, 1914 से 1918 के बीच। एजेंट ऑरेंज ऑरेंज है, संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन था ये। अपरदन चक्र परिवर्तित क्रिया है डेविस ने, किसने किया? परिवर्तित किया है डेविस ने। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है उनका भंडारण कार्ड बनाने के लिए, जिसे खराब ना हो सके वो। ठीक है, अगला है वियतनाम में एजेंट ऑफ एजेंट रॉन ऑरेंज का अंतिम आक्रमण वर्ष 1870 में हुआ था। क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी, पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानवों की हत्या कर रहा है, उनके अंग भंग कर रहा है, अर्थात वह सब कर रहा है जिसका कभी इरादा ही नहीं था। उन बादलों से हुई दृष्टि विश्व वर्षा मानवों के लिए विपदाओं की फसल दे रही है, जिसमें कैंसर, गर्भस्राव और जन्मजात शरीर विकल सम्मिलित हैं, और यह विपत्ति क्रम अभी दशकों तक चल सकता है। निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन। एक बात हमेशा याद रखिए कि आपने देखा है कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, इसका भी प्रभाव तो अभी भी देखने को मिलता है, समझ रहे हैं? आप जानते हैं कि जापान में जो परमाणु बम गिराए गए थे उसका प्रभाव 1945 की बात है, अभी भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है, समझ रहे हैं? जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है बहिश्रावी। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है नाइट्रोजीनस पोषक तत्वों एवं आर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि दर नापने में। लातिनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है मैस्टिजो, मैस्टिजो। ठीक है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से, यूरेनियम लेड विधि से। जीवाश्म पौधे और चट्टानों में से कार्बन डेटिंग आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। जीवाश्म यानी कि जीवाश्मों की अगर आयु बताना है, निर्धारण करना है, तो आप कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। कृषि की आयु वर्षा में निर्धारित की जाती है, वर्षों में निर्धारित, इसमें वार्षिक वलय की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु, माफ करिएगा, वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, यानी कि जितने इसमें वलय होंगे उसी के आधार पर। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर आ जाता है जाइलम टिश्यू द्वारा। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। आप लोग देखते हैं ना कि आप लोग जब चिमनी बनाते थे, लालटेन हुआ करती थी, समझ रहे हैं? उस समय की बात कर रहा हूँ। आज तो आज BIP लैंपों से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय भी आप बाती के द्वारा आप देखते थे तेल जाता था, उसी तरह एक हो जाता है। ग्लूकोज, सेलुलोज, फैक्टोज, सुक्रोज कार्बनिक पदार्थों में से प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है सेलुलोज। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है, आप लोग बताइए क्या आप लोगों ने अपनी जिंदगी में इस तरह की लालटेन या जो एक तरह से इस तरह की व्यवस्था होती थी चिमनिया, उनसे पढ़ा है आप लोगों ने? ऐसे या नो? ठीक है, आप लोगों को बताना है, शर्मना नहीं है। देखिए आप लोगों ने जो किया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग क्या कहेंगे, हम लोगों ने जो किया है क्या शर्म वाली बात। मैं अपनी जिंदगी की बताऊं तो हकीकत आप लोग भरोसा करें या ना करें, मैं आज भी किसी से मिलने जाता हूं, अगर कहीं भी जा रहा हूं तो मैं चड्डे में और टी शर्ट में चला जाता हूं, और स्लीपर ऐसे ही नॉर्मल स्लीपर पहन के कहीं भी। हकीकत है, मैं किसी मतलब सजवंच के कहीं कभी नहीं गया हूं, किसी भी से हो कोई भी आता हो। मैंने अपने जिले की तो इतना याद रखी, मैंने अपना जिले की तो पूरी यात्रा इन्हीं कपड़ों में की है,
नॉर्मल स्लीपर में कोई मुझे कुछ भी बोलते रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हैं? आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। दुनिया क्या, दुनिया सब आपके पास, हकीकत यही बन चुकी है कि आप सक्सेस हैं, वो आपके पास पैसा है तो कोई कुछ नहीं कहता है यार। ठीक है, अगर अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप रह रहे हैं, तो कह देंगे अरे गरीब है, ऐसा है वैसा है, तो ये सब दिमाग से हटा दिया करेगा, बिल्कुल शर्म मत किया करेगा। पता है मुझसे कोई बोलता था कि वो कुछ समय पहले जब, कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो जो भी हमारे पापा करते हैं बड़े गर्व से उठाना हाथ, कि हमारे पापा ये करते हैं, ठेकेदारी करते हैं या कोई भी करते हैं, आप जो भी कृषि करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, आराम से उठाओ। खेती करते हैं, मैं तो कहता हूं दुगना उठाओ। ठीक है, लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है भेड़ की, वह जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है। कोशिका दीवार बैलासंगमों में एक रंजित डायनो फ्लेजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुंज होते हैं। ये पुष्प पुंज कहलाते हैं, लाल ज्वार। क्या कहलाते हैं? लाल ज्वार। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, सत्य कथन चुनना है। साधारण नील हरे शैवाल स्पाइरो गायरा और यूलोथिक्स आलवनीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं, या आपका बिल्कुल गलत है। ग्रेगेट एक आंख से आगे की ओर और तथा उसी तरह दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। आप कहते हैं ना कि कोई बदल जाता है तो कह देते हैं ग्रेगेट की तरह रंग बदल लिया। ठीक है, ग्रेगेट की तरह रंग बदलना तो सीख लिया, कुत्तों से थोड़ी वफादारी भी सीखी होती इंसान ने। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। कवक मूली है माइको राइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। बिल्कुल सही है, पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। सही है, रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता भी आ जाती है। इसमें आपके तीनों कथन सही है, 1, 2, 3 सही है। फिर आपका पादपालय एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। एक कीट के शरीर से निकला स्राव है लाख लाख कीटों से लिया जाता है। कुछ समुद्री जंतु कीट अंधेरे में अपने शरीर से विकास उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? बायो ल्यूमिनिसेंस। ठीक है, पर आपका यह आपका सही कथन इनमें से चुनना है। विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, गलत है। विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचरण केवल जैवीय संवाहकों द्वारा किया जा ही होता है, यह भी आपका गलत है। इसमें केवल एक कथन आपका सही था। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाली उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिसके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक और अधिक पानी। ठीक है, हरित क्रांति आपने देखा था, हरित क्रांति का सबसे पहले प्रभाव सबसे ज्यादा गेहूं और चावल एक तरह से धान पर ही देखा गया था। ये भी आपका सही है, सम्मिलित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन से। पीत क्रांति तिलहन से। नीली क्रांति मत्स्य एवं अक्वाकल्चर से। ठीक है, याद रखिए हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादक फसल था मैक्सिकन गेहूं। फसल लॉन्गिंग विधि है फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे पौध विश्लेषण। ठीक है, बीज जो प्रति वर्ष बदला जाता है कहलाता है संकर बीज। धान के खेत से निकलने वाली गैस मीथेन है। धान के पौधे उगाने की डेपांग विधि विकसित हुई है फिलीपींस में। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म थी जया। धान के लिए सामान्यतः उपयोग होने वाला खरपतवार नाशक है 2,4-D। पौधे का वह भाग जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है फर्न। क्या है? फर्न। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग मिलकर। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है, यह है आपकी गैम्बू सिया। तालाबों और कुओं में जैसे छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, यह है आपकी गैम्बू सिया फिर यानी कि मछली। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड
एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। सक्रिय उर्वर उपवर्जित असंक्रमिकता परिणाम है एंटीबॉडीज के उत्पादन का। बोरियम बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषण है और इससे चित्त में पेट को अन्य चित्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता भी मिलती है। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है फेगोपाइरम से, ठीक है, ये भी आपका सही सम्मिलित है। रदरफोर्ड एटम बम से संबंधित है, अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट से संबंधित है, कार्टराइट पावर लूम से संबंधित है, ग्राम बेल टेलीफोन का आविष्कार किया। ठीक है, सूची एक और सूची दो। अनुवांशिकी की उपलब्धि और वैज्ञानिक जीवाणुओं में पराक्रमण और संयुग्मन की खोज लेडरबर्ग ने की थी। यौन संलग्न वंशागति की स्थापना मॉर्गन ने। ईकोली और से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन एक कौन वर्ग। संपूर्ण अनुवांशिक कूट की स्थापना खुराना। सही जोड़ी चुनना है लाइगे सेज आणविक सीवन का। केसर मसाला सेफ्रन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का जो भाग उपयोग में लाया जाता है वह कौन सा है। बढ़ती काक, ठीक है, स्टेगमा। पौधीना के जिस भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है वह है पत्ती, पत्ती। ठीक है, तंबाकू इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश है भूटान। उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का वह प्रकार जो सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है जीवाणु सूक्ष्म शैवाल और कवक। ठीक है, एक बात आप लोगों को और बता दूं जो लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो एक मित्र की मैं कहानी सुनाता हूं छोटी सी, इसलिए सुना रहा हूं देखिए कि आप लोग हकीकत पहचान जाए। एक दोस्त है मेरा, पता है उसने सुअर पालन करवाया, बकरी पालन करवाया, मुर्गी पालन करवाया, भैंस पालन करवाया, पंडित है। उसके बाद सुअर पालन करवाने का मतलब आप समझ रहे हैं, मुर्गी पालन करवाने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। उनसे तरह तरह की उसके परिवार को टोचना दिए गए, तरह से तरह तरह की उसके परिवार के बारे में बात की गई। लेकिन एक साल के अंदर उसका जब बिजनेस बढ़ा, और महीने में आप भरोसा नहीं करेंगे कि 2.5 से 3 लाख रुपए निखर चे आते हैं उसके, आज उससे कोई बात नहीं करता है। मतलब कोई बात नहीं, मतलब आप समझ रहे हैं, कोई उसके धंधे के बारे में कुछ नहीं कहता है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं। फॉर्चूनर से तो चलते हैं, बच्चे वीआईपी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पैसा, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कहीं वो, कि जिनके बाप दादा डकैती डालते थे, जो खुद गुंडागर्दी करते थे और पुलिस से इतने लाठियां खाते थे, डंडे पड़ते थे, वो आज जाकर नेता बन चुके हैं। उनकी हर कोई इज्जत कर रहा है, सम्मान कर रहा है। लूट का जो पैसा उन्होंने लगाया और जो काम किया है उसकी भी, तो इन जो नीचे की लोग हैं इनके बारे में कभी मत डरा करिए। अगर आपको कर्मों से डरना है तो ऊपर वाले से डरा करिए। ऐसा कोई कर्म मत करना जो भगवान या आपकी आत्मा को मंजूर ना हो। ठीक है, वो कहा जाता है ना कि नीचे वाले, एक कहावत नहीं सुनी कि झुकते हैं लोग, झुकाने वाला चाहिए। मैं कहता हूं उल्टा, कि तलवे चाटते हैं लोग, चटवाने वाला चाहिए। समझ रहे हैं आप, इनकी कोई औकात नहीं है। आज आप रोड पर आ जाइए, बर्बाद हो जाइए, इनकी नजरें बदल जाएंगी। आप सफल हो जाइए, इनकी नजरें बदल जाएंगी। तो चलिए, ये था आपका बायोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित जो प्रमुख तथ्य थे, इतना पढ़ लीजिए, काफी है मुझे लगता है रिविजन के लिए। ठीक है, विस्तार से पढ़ना है तो आपका इतना मटेरियल उपलब्ध करवा चुका हूँ। आप लोग जाइए टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करिए और प्लेलिस्ट सूची में जाकर सब कुछ देखते रहिए। केमिस्ट्री खत्म हो गया, बायोलॉजी खत्म हो गया, फिजिक्स बचा है। तो चलिए आगे हम लोग फिजिक्स बात करेंगे, ठीक है।